الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سوره المدسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وقال تبارك وتعالى في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال جل وعلا في سوره التوبه وسوره الفتح وسوره الصف هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل في سوره الانفال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين

फरीजा कामत दीन और उसका तरीक़कार मैं आज इब्तदाई बयास कर दूँ कि नौ दिन की शदीद मुशक्कत का एक नतीजा ये निकला है कि आज तबीयत बहुत मुस्महल है अगरचे साथ ही एक इत्मीनान ये भी है कि ये आज आखिरी तकरीर है जो मैं कर रहा हूँ इसलिए मैंने इम्कानी हद तक अपनी हिम्मत को मुशतम करके और फ़ैसला किया है अगरचे बाज़ अब आप का मशवरा था कि आज की तकलीर मैं कैंसिल कर दूँ और सिर्फ सवाल जवाब पर इस नशस् को ख़त्म कर दूँ लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि आप में से बहुत से हज़रत को इस मौजू के साथ खसूसी दिलचस्पी है और पिछले आठ दिनों के दौरान मतदद मौाक़े पर इसका हवाला भी आया है लिहाजा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो भी कुछ इस मौजू पर समझ पाया हूँ वो आप हज़रा के सामने रखने की कोशिश करूँ जहाँ तक इकामत दीन के फ़र्ज़ होने का ताल्लुक़ है उसका हमारे इस दर्श के सिलसिले में इससे पहले भी मुख्तलिफ मुख्तलिवाना के झैल में तस्करा हुआ है जब हम ये समझ रहे थे कि जिहाद की तीन मंजिलें कौन सी हैं जब हमने ये समझा कि दीनी फराइज के तीन लेवल कौन से हैं तो हर मरतबा एक बात सामने आई कि दीनी फराइज में चोटी का फर्ज है इकामत दीन जिहाद की आखिरी मंजिल है अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जिहाद लेकिन आज चूंकि यही असल मौजू है लिहाजा अच्छी तरह इस बात को समझिए कि कामत से मुराद क्या है मैंने एक बात इससे पहले अर्ज की थी कि कुरने मजीद के फसाहत बलागत और उसके एजाज अदबी का एक मजहर यह भी है कि एक ही मफहूम के लिए वो मुतद इस्तलाहात इस्तेमाल करता है ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो असिलाहत बिल्कुल हम मानी है। उनके मफहूम में उन्नीस बीस का फर्क तो होता है लेकिन ये कि बहसीत मजमू ये कहा जा सकता है कि मुराद एक ही है मिसाल के तौर पर जरा जहन में ताजा कीजिए दीनी फराइज की पहली मंजिल के जमन में अमर ने अर्ज किया था इस्लाम गर्दन झुका देना सरेंडर कर देना इता दिली आमादगी से अल्लाह का उसके रसूल का हुक्म मानना तकवा के अहकाम की खिलाफ वर्जी से बचना इबादत अल्लाह की हम तन हम वक्त हम वजूह बदलगी अब ये चार अल्फाज हैं चार असलाहत हैं लेकिन ये बात सामने आ गई कि चारों से मुराद एक ही है अगरचे जरूर फर्क है इस्लाम नुक़ आगाज है यानी अगर इस लफ्ज की हकीकत पर गौर करेंगे तो ये बात सामने आएगी कि जैसे पस मंजर में यह है कि कोई कशमकश जारी थी कोई मुकाबला था कि एक फरीक सरेंडर कर कर देता है ये कशमकश है जो हमारे नफ्स में और अल्लाह के अहकाम में जारी रहती है हकोबातल में यह कश्मकश वो जो इकबाल का शेर है कि सतीदा कार रहा है अजल से ताइन रोज चिराग मुस्तफी से शरार बोलावी लेकिन जब इंसान अपने आप को अल्लाह के हवाले करने का फैसला करता है तो गोया के उसने सरेंडर कर दिया ये नुकतः आगाज है अब यह है कि अपनी दिली आमादगी से अल्लाह का उसके रसूल का हुक्म मानना यह इससे जरा अगली मंजिल है ये बात मुस्बत है मनफी पैराये में यही बात क्यों कही जा सकती है कि अल्लाह और उसके रसूल के किसी हुक्म को तोड़ने से बचना बात एक ही होगी और हम तन हम वजूह हम वक्त अपने आप को अल्लाह की गुलामी और बंदगी में दे देना यही बात है ये गोया कि उसकी आखिरी मंजिल हो गई इसी तरह दूसरी सतह पर तबलीग दामत वाज, नसीहत, तलकीन, इंजार तब, तबशीर तजगर अब्र बिल बिलूफ नई अनिल मुनकर शहादत अननास असलाहत बेशुमार हैं लेकिन ये कि सबका हासिल एक ही है दीन दूसरों तक पहुँचाना अल्लाह के पैगाम को दूसरे तक पहुँचा देना लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना अब देखिए दावत में कोई चीज़ किसी को बुलाया जाता है तबलीग में कोई चीज़ किसी को पहुँचाई जाती है जो इतात में और तकवा में नस्बत है मुस्बत और मनफी की वही नस्बत है दावत और तबलीग में अल्लाह का पैगाम पहुँचाया ये तबलीग है अल्लाह के रास्ते की तरफ ले आए ये दावत है तो दर हकीकत एक ही तस्वीर के दो रख इसी तरह ये कामत दीन के लेवल पर आकर तीसरी सतह पर आकर पांच अहत हैं कुरान और हदीस की जिनको समझ लेना चाहिए दो हैं इंजील की वो मैं इसलिए आज बताना चाहता हूँ कि अगरचे इंजील हमारे लिए दलील नहीं है सनद नहीं है अब तो कुरान मुहमिन है मुहाफिज है लेकिन यह कि जो चीज इंजील में कुरान की तालीम के मुताबिक हो वो गोया के हमारे लिए लाइक अल्तफात है फिर इसी मजमून को अदा करने के लिए कुछ अशलाहा जो इस सदी में खास तौर पर हमारे बाद अकाबिर ने की हैं। वो भी मैं बयान करना चाहता हूं और आज इसके मफहम को अदा करने के लिए आसान तरीन लफ्ज़ जिससे कि एक आम इंसान उसकी हकीकत को पाले वो क्या है वो भी आपके सामने रखना है कुरान की अतलाहत क्या है तकबीर रब ये मैं बयान कर चुका हूं रबा का फकबर अपने रब की तकबीर करो अपने रब को बड़ा करो क्या मानी रब बड़ा है लेकिन उसकी बड़ाई मानी नहीं जा रही लोग अपनी मन मानी कर रहे हैं जब मन मानी कर रहे हैं तो अल्लाह बड़ा कहां रहा लोग हाकमियत के मुद्दा यह कल मैं अर्ज कर चुका हूं इंसानी हाकमियत का तस्वुर इस दौर के अजीम तरीन शिरक में से है इसलिए हाकमियत तो अल्लाह के लिए है बादशाही में हाकमियत में अल्लाह का कोई साजि नहीं अल्लाह किसी को अपनी इस हाकमियत में शरीक नहीं करता तो यहां अगर दावा है कि हमें इख्तियार है जो कानून हम चाहें बनाए हम नहीं जानते क्या अल्लाह का हुक्म है क्या उसके रसूल का हुक्म है तो ये दावा शिरक है जब ये दावा है तो गोया कि अल्लाह छोटा हो गया और जो ये दावा कर रहा है वो बड़ा हो गया अब ऐसे तमाम बड़ों की बड़ाई खत्म करके अल्लाह की बड़ाई को कायम करना यह तकबीर रब है तो रब अपने रब की तकबीर करो मैंने अर्ज किया था ना कि अंग्रेज के जमाने में भी हम अजान देते रहे अल्लाह अकबर लेकिन ये कि इस अकबर को अंग्रेज भी समझता था कि अजान देने वाला भी ये समझ कर नहीं कह रहा है कि कोई बगावत उसके पेशे नजर है बल्कि एक मजहबी रस्म है अदा कर रहा है रिचुअल है एक वरना तो ये कलमा ये बगावत था बड़ा कौन था अंग्रेज हाकमियत किसकी थी अंग्रेज की अब वहां ये कहना अल्लाह हो अकबर ये तो गोया कि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करना है ये जान लीजिए कि पहली इस्तिलाह है तकबीर रब इसी को कहा इकबाल ने कि या मुस्त अफलाक में तकबीर मुसलसल या खाक की आगोश में तस्वीर हो मुनाजात वो मसल के मरदान खुदा गाह खुदा मस्त ये मजहब मुल्ला वमादात तो नबातात महज कहते रहना कहते रहना कहते रहना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मैंने उस रोज भी अर्ज किया था आज भी अर्ज कर दू कि सवाब जरूर मिलेगा कि आपने अपना वक्त लगाया जिक्र किया अल्लाह का नाम लिया लेकिन यह कि इससे क्या अल्लाह अकबर कहने का जो तकादा था वो पूरा हो गया वो तो ये है कि जान हथेली परख कर मैदान में आओ और जो अपनी बड़ाई के मुद्दई हो उनका सर झुकाओ और अल्लाह के कि बात को ऊंचा करो तब अ दूसरी असला वही है जो आज की हमारी गुफ्तु का कामत दीन। ये सूरह शूरा की आयत नंबर तेरह है और ये इस मौजू पर अहम तरीन आयत है इस आयत को मैं चाहता हूं कि आज अच्छी तरह समझे शरा मिन दीन। तुम्हारे लिए दीन में वही चीज लाजिम की गई मुआन की गई वा وصى به जिसको के लाज़िम किया था अल्लाह ने नूह पर वल्जी अहना इलैक और जिसकी वही हम कर चुके हैं ऐ मोहम्मद आपकी जानिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा वसेना به मूसा وموسى ईसा और जिसकी वसीयत की थी हमने इब्राहिम को और मूसा को और ईसा को वो क्या है अन अकीमुद्दीन वला तफरकु फी कि दीन को कायम करो और उसमें तफरके में, में मुबतला ना हो अब यहां जो बात मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूं उसन में ताजा कीजिए कि एक है तस्वुर मजहब एक है तस्वुर दीन इनमें जमीन और आसमान का फर्क है मजहब के बारे में तस्वुर दुनिया का क्या है इस्लाम का नहीं दुनिया का तस्वुर कि मजहब सिर्फ इंफिदी जिंदगी का मामला है इज्तवाही जिंदगी से उसे कोई ताल्लुक नहीं इंफिरादी जिंदगी में मजहब के तीन हिस्से हैं अकाइद इबादत और कुछ सोशल कस्टम्स अकीदा और मोड्स ऑफ वर्शिप तीसरे सोशल कस्टम कुछ माशर्ती रसूमत बच्चा पैदा होगा तो क्या रसम होगी कोई मर जाएगा तो किस तौर से उसकी मैत जो है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा इसी तरीके से शादी जो एक नागुज़ीर जरूरत है इंसानी की हिंदू को भी करनी है मुसलमान को भी करनी है सिख को भी करनी है पारसी को भी करनी है तमदन की गाड़ी इसके बगैर चलती नहीं उसको किस तरीके से सोलनाइज किया जाएगा क्या रसूमात होगी कि मालूम हो जाए कि अब ये बंधन बंध गया ये सोशल कस्टम है इन तीन चीजों को कहा जाता है कि ये जो है ये इंफरादी मामला है हर शख्स जैसे चाहे करे आजाद है और तीन ही चीजें वो है समाजी निजाम माशी निजाम सियासी निजाम इनका कोई ताल्लुक जो है वो मजहब से नहीं है बल्कि इनका ताल्लुक होगा लोगों की मर्जी से कसरत राय से किसी मुल्क में रहने वालों की आबादी उसकी अक्सरियत जो चाहेगी वो कर ले इसका नाम है जदीद दौर में सेक्यूलरिज्म कि इस इजमाही जिंदगी का ताल्लुक किसी मजहब से नहीं मजहबी आजादी हर एक को है अमरीका में चले जाइए वही निजाम है हिंदुस्तान में चले जाइए वही निजाम है एक कौमी कश्मकश दूसरी बात है जो वहां हो जाती है खटपट होती है फसादत होते हैं मुसलमानों का कत्लेआम होता है वो वहां पर आपको मालूम है कि ऊंची जात के, के हिंदुओं और नीची जात के हिंदुओं में भी होता रहता है ये अलग बात है लेकिन यह कि कम से कम कानूनी और दस्तूरी तौर पर हिंदुस्तान में मजहबी आजादी हासिल है मजहब लेकिन यही तक अकीदे की आजादी इबादत की आजादी और शादी ब्याह की आजादी थोड़ी सी मैंने आपको बताया था कि की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो फैमिली लॉस के ऊपर थोड़ी सी जल्द पड़ी है तो कितना बड़ा रद्दअमल हिंदुस्तान में हो गया अच्छा अब यह जो हिस्सा है यह है उनके नजदीक इसका ताल्लुक जो है वो मजहब से नहीं बल्कि ये तो सेकुलर फील्ड है इंसानी जिंदगी का इंतबात होंगे जो लोग मुंतब होंगे उनकी अक्सरियत पार्लियामेंट के मेंबर्स की जो कानून बनाना चाहेगी बना देगी तो इस्लाम के बारे में ये जान लीजिए कि इस्लाम मजमुआ है इन छह की छ चीजों का तीन जमा तीन इसमें अकायद भी है ईमानियात जिस पर हम एक मुकम्मल तकरीर जो है सुन चुके आप हजरात फिर इसमें इबादत भी है नमाज रोज़ा हज, हज़त फिर इसमें अकीका भी है पैदाइश पर और तदफीन और तकफीन ये है फोचीदगी पर नमाज जनाजा है निकाह है तलाक है उसके कवानीन है फिर इसमें सत्र है हिजाब है सेग्रीगेशन ऑफ सेक्स है जेना की इरेडिकेशन के लिए दूर दूर तक हदबंदी है ऐसा मार्षती निज़ाम कि जिससे बदकारी को जना को बिल्कुल निकाल खानदानी निजाम को मुस्तकम किया जाए फिर आप इससे आगे बढ़िए इसमें वो काम भी है जिनका ताल्लुक माशियात से है सूद हराम है सट्टा हराम है फॉरवर्ड ट्रेडिंग की अक्सर शक्लें हराम है ये पहले से जो फसलों के सौदे हो जाते हराम है ये सारी चीजें क्या है इनका ताल्लुक माशियात से है फिर इसमें सियासत भी है कानून फौजदारी भी है कानून दीवानी भी है कानून विरासत भी है कानून शहादत भी है जिंदगी का कोई गोशा नहीं है कि जो इस्लाम के अंदर तो अब यूं समझिए कि किमत दिन का मतलब क्या होगा नमाज कायम करना मतलब होगा और कीजिए मैं एक बात कह रहा हूं समझाने के लिए नमाज तो अंग्रेज के दौर में भी कायम रही रोजे तो अंग्रेज के दौर में भी रखे जाते रहे तो नमाज लोग ज्यादा पढ़ने लगे कीजिए कि किसी मुल्क के अंदर नमाज जो है वहां के सत फीसद लोग पढ़ने लगे लेकिन अल्लाह का कानून का राज हो तो क्या दीन कायम हो गया गौर कीजिए इस बात पर कि हमारा तस्वुर जब भी आता है दीन का चूंकि हमारी छह छह नस्लें आठ आठ नस्लें गुलामी में बीत गई है यहां वही बैठे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग हमारी नस्लें गुलामी में बीती अब होते होते हमारी जहनीत बदल गई तस्वरात बदल गए वो तो एक नस्ल में ही फर्क हो जाता है कुछ जाइए कि छह नस्लें गुजर गई हूं किस हालत में गुजरी के नमाज भी है रोजा भी है ज़कात भी है हज भी है शादी ब्याह भी है निका भी है अकीका भी है ईदेन भी है ये सब कुछ तो है लेकिन इस्लाम का कानून नहीं ना फौजदारी ना दीवानी न कानून विरासत न उसके माशी अहकाम की किसी को परवाह बैंक कायम है धड़ल्ले से कायम है बड़े बड़े हाजी और नमाजी लोग उस बैंक से कर्जे लेकर कारोबार कर रहे हैं बड़ी बड़ी मस्जिदों के मुतवली और मुंतजिम वो हाउस बिल्डिंग फिनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज ले रहे हैं मकान बना रहे हैं महल तामीर कर रहे हैं ये हुआ कि नहीं हुआ ये इस तरीके से जहनीत बदली कि वो तस्वर ही जहन से निकल गया कि यह भी कोई दीन का हिस्सा है हमारा तस्वुर यही रह गया लिहाजा किसी शख्स के दिल में दीनी जज्बा पैदा होता है तो बड़ा तीर मारेगा नमाज लिया पढ़नी शुरू कर देगा अभी पहले फर्ज पढ़ रहा था भी पढ़नी शुरू कर देगा लेकिन यह ख्याल नहीं आएगा मेरा दीन सिर्फ नमाज रोजे का दीन नहीं है मेरा दीन तो मुकम्मल जिंदगी का दिन है मेरा दीन तो पामाल है अल्लाह का दिन तो मकनूब है अल्लाह का कानून जो है उसकी धज्जिया बिखर रही है इंसानों के बनाए हुए कानून चल रहे हैं इसको इस पूरे तीन जो हिस्से हैं समाजी निजाम माशी निजाम सियासी निजाम इसमें पूरे दिन को कायम करना एक आमत दिन है यह है अन अकीम। वला फी यह कैसे होगा जबकि मिलजुल कर काम करो एक जमीयत हो तफरका हो आपका उन्हीं चीजों में तफरका हो जिस पर कल मैं बयान कर चुका हूं नूर बशर का झगड़ा रह चुके गैब का मसला ही हल ना हो तो कहां जमा हो गए और कहां दीन कायम करोगे दस्तो गरीबान रहोगे आपस में लिहाजा फी ये इकामत दीन दिन इसमें जरा हो सकता है कि कुछ हजरात अगर कुरान मजीद के तराजन कंसल्ट करें तो उन्हें एहसास हो कि शायद मैंने तर्जुमे में कुछ ऊंच नीच कर दी है इसलिए कि आपने तर्जुमा किया है कायम रखो दीन को गौर कीजिए कायम करो दीन को और कायम रखो दीन को फर्क क्या है इसमें कतान कोई फर्क नहीं दीन कायम है तो कायम रखो कायम नहीं है तो रखो किसको पहले कायम करो फिर कायम रखो सीधी सी बात यह है खेमा है खेमा अगर खड़ा है तो उसे खड़ा रखना है अगर तेज आंधी आ रही है तो आप क्या करेंगे खड़ा रखने की कोशिश करेंगे उसके खूंटे खूब अच्छी तरह मजबूत करेंगे रस्सियों को देख लेंगे कमजोर तो नहीं हो सकता उसके बांस को पकड़कर खड़े रहना पड़े रस्सियों को पकड़ कर एक एक आदमी खड़ा रहे खेमा खेमा गिर ना जाए खड़ा है खड़ा रखना है गिरने नहीं देना और अगर गिर गया है तो उसको खड़ा करें। इसको यूं समझिए कि अगर कोई शख्स खिलाफत रास्ता में पैदा हो जाता तो उसे दीन कायम करना नहीं है वो कायम तो कर गए मोहम्मद वो मेहनत वह जिद्दोजहद वह कोशिश वो कुर्बानिया वो इस वो जिहादाल उसके नतीजे में दिन कायम कर गए अब कायम रखना है कोई फितना ऐसा ना आए कि उसको खत्म कर दे क्या हुआ था जिन्होंने जक़ात का इनकार किया वो गोया कि उस दीन को ख़त्म करने के दर पे थे एक आंधी आई और अबू बकर पर हो गए रजी अल्लाह तय मुद्दान नबूत खड़े हो गए वो उस खेमे को गिराने की कोशिश थी मोहम्मद की नबूत का एतबार खत्म करना था सल अल्लाह वसलम तो उस दीन को कायम रखना था खड़े हो गए उनके कतल किया सैकड़ों उफाज एक जंग में शहीद हुए जंग यमामा और ये किससे थी ये नए मुद्दे मुद्दा दबूत से जंग थी तो ये क्या हो रहा है अबू बकर जमाने में दीन को कायम रखा जा रहा है कि हुजूर कायम करके हवाले कर गए अब उसे कायम रखना है और अब हम जिस हाल में है कायम है दीन तो रखे किसको असल में ये है मुगादा कायम करो और फिर कायम रखो यही है तो नतीजे के अतबार से कोई फर्क वाकई नहीं तो ये है एक दीन और ये बात जान लीजिए कि एक दीन से वो नमाज की मैंने जो मिसाल दी है कहीं आप ही ना समझना मैं नमाज की तोहिन कर रहा हूं हर चीज अपनी जगह पर आएगी दीन को कायम करने के लिए जो तरबियत दरकार है उसका सबसे बड़ा सुतून जो है वह नमाज है लेकिन दीन को कायम करना उसके तकाजे कुछ और हैं एक मुकम्मल निजाम जिंदगी की हैसियत से उसको बर्पा करना कायम करना गालिब तीसरी असतलाह वो है जो कुर मजीद में तीन मरतबा आई हुजूर की बेसत के जमन मेंजी अरसूल बिलहुदाबदी रहूदी वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुदा यानी कुरान और दीन हक देकर ताकिि करें उसे कुल के कुल दीन पर यह दीन का गलबा इसके क्या माने दीन के मानी लफ्जी तौर पर है इतात इतात का एक निज़ाम है जैसा कि कल मैं समझा चुका औलाद वाले देन की इतात करें शागिद उस्ताद की इतात करें जो आपके चौधरी है मोहल्ले का चौधरी है आप उसका कहना मानिए लेकिन इन तमाम इतातों पर अल्लाह की इतात गालिब हो जाए, ये है जाहार दीन हक जो इतात हक का है अल्लाह की तात हक है उस इतात को तमाम इतातों पर गालिब कर दो कोई इतात भी उससे मुस्तस्ना ना रहे बात समझ में आ गई दीन कुल ये है तीन मरतबा जो आया मज़मून कुरान मजीद में सूरह सफ में सूरह तोबा में सूरह फता तीसरी अतला क्या हुई इजहारो दीन अल कुल्ले ही अरबी में तो यूं बनेगी बात चौथी असला क्या है ये सूरह बकरा में भी आयत आई है और सूरह अनफाल में भी ये दोनों सूरतें जो कुरान मजीद से कुछ वाकफियत तो और दिलचस्पी रखते हैं वो जानते हैं कि ये गजवा बदर के दोनों तरफ है सूरह बकरा गजवा बदर से पहले नाजिल हुई सूरह अनफाल गजवा बदर के फौरन बाद नाज़िल। बकरा में क्या आयत है का दीन सूर्य अनफाल में और शानदार अल्फाज के साथ फून दीनो कुल्लू कुल्लहू का इजाफा हो गया ये दोनों जो सूरतों का जमाना नजूल है वो कौन सा है जबकि तल शुरू हो रहा है पहली जंग कौन सी है गजवा बद्र बिलफेल अगरचे आठ मुहिम हजूर ने पहले भी भेजी है तो गोया के जो टकराव अब शुरू हो गया है और अब तलवारें नियाम से बाहर आ गई बक्के में तो इजाजत नहीं थी ना मदीने में तलवारें नियाम से बाहर आ गई तो फरमाया मुसलमानों अब जबकि ये तुम्हारी जिद्दोजहद इस मरहले में दाखिल हो गई और तुम्हारी तलवारें नियामों से बाहर आ गई देखना अब ये तलवारें नियामों में वापस न जाए जब तक फितना वो फसाद बिल्कुल फरो न हो जाए और दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए ना हो फितना क्या है जमीन अल्लाह की इसका सही कौन हकदार है कि उसका हुक्म चले अल्लाह राइटफुल रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड कौन है अल्लाह अगर कोई और चला रहा है अपना कानून तो वो कौन है बागी और जो अल्लाह का वफादार है उसका क्या फर्ज है उस बागी की सरकोबी बगावत की सरकोबी और जिसका हक है उसका हक उसे पहुंचाना अल्लाह का हक लिहाजा लिहाजाला चार इस्तलाहात हो गई चारों तकरीबन हम मानी है बात एक ही है जो कही गई है दो मक्की सूरतों में दो मदनी सूरतों में पांचवी हदीस में वो भी मैं सुना चुका हूं बस चीजें तो सिर्फ याद कर रहे हैं हम हजूर से पूछा गया एक शख्स जंग करता है माले जनीमत की ख्वाहिश के तहत एक शख्स जंग करता है अपनी शुजात के इजहार के लिए मेरी तारीफ हो के बड़ा बहादुर है एक शख्स जंग करता है किसी कबायली या कौमी हमीत असबियत में इनमें से कौन सा मुजाहिद फीस अभी लाला है आपने फरमाया इनमें से कोई मुजाहिद फीस अभी लाला नहीं है मुजाहिद फीस अभी लाला सिर्फ वो है जो जंग करता है सिर्फ इसलिए ले तकून कले मतुल्ला ताकि अल्लाह की बात सबसे ऊंची हो जाए उलिया आला का मुन्नस है आला सबसे बुलंद उलिया सबसे बुलंद सब कलमा चूंकि मुनस है ले तकून कले मतुल्ला ताकि अल्लाह की बात अल्लाह का कलमा सबसे ऊंचा हो जाए जैसे मैंने कल शर्क में बताया ना इता की नसीह कुल्ली है ना मोहब्बत की नसीह कुल्ली है तोहिद का तक क्या है तमाम इतातों पर गालिब इतात अल्लाह की तमाम मोहब्बतों पर गालिब मोहब्बत अल्लाह की तमाम बातों पर गालिब बात अल्लाह की बस दिन कायम हो गया गोया के अल्लाह बड़ा हो गया अल्लाह की बड़ाई नाफिज हो गई गोया के कुल दिन अल्लाह ही के लिए हो गया गो गोया के अल्लाह की बात सबसे ऊंची हो गई कहने के पांच अंदाज हैं लेकिन यह कि असल बात क्या है वो एक अब सुनिए इंजील में आखिर ये जब इंजील वालों के ऊपर भी यह बात लाजिम की गई थी सूरह शूरा की आट मैंने सुनाई कि वही बात जो पहले भी तमाम रसूलों पर की गई तो उसका जिक्र मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए वो जिक्र मिलता है इंजील में दो तरह एक तो ये हजरत मसीह के मवाज में बार बार आता है रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हैवन इज हैंड। लोगों तोबा करो जल्दी करो इसलिए कि आसमानी बादशाहत आया चाहती है अभी आसमानी बादशाहत किस चीज का नाम है कैसर की बादशाहत रूम की बादशाहत ये ठीक है नहीं आसमानी बादशाहत आसमान से मुराद कौन अल्लाह अल्लाह की बादशाह कैसर की बादशाहत में आसनी अथॉरिटी कौन कैसर किसरा की बादशाहत में आखिरी अथॉरिटी कौन किसरा आसमानी बादशाहत में आखिरी अथॉरिटी कौन अल्लाह बात वही है कि नहीं इसी तरह जो इनकी लॉर्ड्स प्रेयर है ये लॉर्ड्स प्रेयर जिस तरह हमारे यहां सूरह फातिहा है हुजूर ने फरमाया ना कि ला सला यकरा फाते किताब हर रकत में हम सूरह फातिहा पढ़ते कि नहीं पढ़ते अलहदा बात अख्तिलाफ है कि जब बात आप पढ़ रहे हो तो एक मसल ये है कि इमाम का पढ़ लेना ही हमारी तरफ से या के वो नुमाइंदे की हैसियत है से पढ़ रहा है एक राय यह है इमाम शाफे की के नहीं इस सूरत में भी हर मुख्त को भी पढ़नी चाहिए यह तो हो गया एक अख्तिलाफ फिक्री। थी इसमें कोई अख्तिलाफ इस नहीं है कि नमाज का जुज्व लाजम सूर फातहा है जो मकाम हमारे यहाँ सूर फातहा का है वही ईसाइत में जो मौजूदा ईसाइत है उसमें लॉर्ड्स प्रेयर का है नमाज तो उनके यहां रही नहीं सजदा उनके यहां है नहीं वो जब भी दुआ मांगते थे नील डाउन अपने घुटने जमीन पर टिका कर बस यहां तक तो फिर वो दुआ करते हैं वो दुआ क्या है उसमें ये अल्फाज भी है किंगडम कम अरब तेरी मर्जी पूरी हो और तेरी हुकूमत आ जाए तेरी हुकूमत आ जाए क्या मतलब तेरा कानून नाफिस हो तेरी मर्जी जैसे आसमानों पर पूरी हो रही है जमीन पर भी पूरी हो बताइए फर्क है कोई वो ही मजबूर है यही वजह है कि इस सदी में बह के हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग यहां है मैं मेरी गुफ्तु भी आज जान लीजिए कि उस पस मंजर में है और खास तौर पर मेरे मुखातब इस वक्त आज जो होंगे वो पाकिस्तान के मुसलमान वहां एक कामत दिन का तरीकेकार क्या होगा उस पर हमें गुफ्तु करनी है वैसे तो ये कि दीन की तालीमत अबदी है हर जगह है लेकिन हालात के मुताबिक थोड़ा थोड़ा इश्तेद उसमें करना पड़ता है तो मेरी गुफ्तगु मेनली जो होगी वो पाकिस्तान के बारे में तो इस पाकिस्तान हिंदुस्तान ये जो बर सगीब जिसे हम कहते हैं इसमें इस सदी के शुरू में मौलाना अबुल कलाम आजाद मरहूम ने किस तरह इस्तेमाल की थी अल हिलाल और अल बलाग में का कायाम बात वही हो गई कि नहीं ये क्यों इस तरह इस्तेमाल की हुकूमत हुकूमत इंग्लिशिया थी कि नहीं उस वक्त तो हुत इंग्लिशिया की जगह हुकूमत लिया हुकूमत इंग्लिशिया में कानून किसका चल रहा है अंग्रेज का और हुकूमत इलाहिया में कानून किसका चलेगा तो एक जिद्दो जहोद एक कोशिश की उन्होंने लोगों को दावत दी पुकारा कुरान और जिहाद दो चीजों की तरह मुतव किया मुसलमानों को कि इस पर जमा हो जाओ और हिजबुल्लाह के नाम से एक जमात बनाई अल्लाह की पार्टी उसका मकसद क्या था हुकूमत इलाहिया का क्या अब एक बात समझ लीजिए कि उन्होंने कामत दिन क्यों नहीं कहा उन्होंने इजहार दीन क्यों नहीं कहा देखिए इसकी वजह यह होती है कि हर दौर में कुछ अश्लाहत आसानी से समझ में आती है और कुछ चीजों को समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एक दीन आज समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इजहारो दीन लाल दीन कुल्ले ही एक घंटा चाहिए इस अश्तलाह इस को वादे करने की फिर भी आपकी जबान पर नहीं चढ़ेगी ये, लेकिन ये कि आज के एक जहन का जो भी एक मैार है एवरेज पढ़ा लिखा इंसान अगर उसके सामने लफ्ज आ जाए जा हुकूमतिया तो बात पूरी समझ में आ गई ये वजह है कि मुख्तलिफ अदवार में ने, दीन के खादिमों ने अतलाहत की इतनी परवाह नहीं की है कि बात को इब्तदा समझाने के लिए जो उस दौर की अशिला है उसके मुताबिक बात की जाए फिर उनको जब करीब आ जाए तो फिर किताब सुन्नत की जो असल अशलाहात है उनसे भी रोशतास करा दिया जाए लेकिन ही में गुफ्तु भारी भरकम अश्लाहत से होगी तो किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़े तो हुकूमत इलाहिया का क्याम ये बात एक अलहदा बड़ी तल्ख दास्तान है हमारी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद वो रास्ता क्यों छोड़ गए 1920 में यह हमारी तारीख का बर सगीर की तारीख का एक गुमशुदा बाब है जिसको अल्लाह ताला ने खास मौका पैदा कर दिया कि मुझे खोद कर निकालना पड़ा उसे वो अपनी जगह पर है कभी पढ़िएगा मिसाक में वो चीजें आ चुकी हैं। 1920 में दिल्ली में जमीयतुल में हिंद का एक इजलास हुआ दूसरा इजलास था ये ऑल इंडिया इजलास इसके सदर कौन थे हजरत शेख हिंद, मौलाना महमूद हसन देवबंदी याने। ये वो शख्सियत है जिनके नाम से आपने सुना होगा वो रेशमी रूमालों की तहरीक हिजरत की तहरीक जिनको अंग्रेज ने गिरफ्तार करवाया कहां से हरम से हरम शरीफ से मक्के से शरीफ हुसैन वाली है मक्का के जरिए और फिर कहा रखा माल्टा में हिंदुस्तान नहीं भेजा बदकिस्मती हमारी यह है कि हम अपने असलाफ जो इस सदी के असलाफ है उसे भी वाकिफ नहीं। बहुत से चेहरों को मैं देख रहा हूं ब्लैंक है बिल्कुल क्या ग्रीक है ये क्या कौन से जमाने की बातें हो रही हैं इस सदी की बात है 1920 को कितना अरसा गुजरा पैंसठ बरस कुल कौमों की जिंदगी में क्या हकीकत होती है लेकिन वाकया ये है कि हमें इस तरह काटा गया है हमें अपने इस सदी के असलाफ का पता नहीं तो पिछले सदी की तहरीके शहीद कहा मालूम होगी कौन थे सैयद अहमद बरेलवी और कौन थे शाह इसमाही शहीद और ये कौन था किसका खून बहा यह बालाकोट में किसका खून जज्ब हुआ है क्या पता किसी को कितने लोग होंगे हमें तो यह मालूम है कि दुबई में क्या चीज अच्छी मिलती है और अबू जहाी में कौन सी चीज सस्ती है एक चक्कर यही है अल्लाह अल्ला जो आएगा उसकी सारी तोज्जो जो है बाजार पर होगी दुकानों पर होगी यहां नहीं हज पर जो जाते हैं उनकी सारी तोज्जो बाजार पर दुकानों पर हमें फिक्र ही नहीं कि हम जाने समझे बार आर अब इस वक्त जान लीजिए मुझ पर एतमाद कर लीजिए इस सदी की अजीम तरीन शख्सियतें हिंदुस्तान के एतबार से कम से कम मेरे नजदीक वो पूरे आलम इस्लाम के एतबार से अजीम तरीन है ये बर शरीर पाक हिंद का ये एजाज है अल्लाह की तरफ से अता करदा कि इस सदी की आलम इस्लाम की दो अजीम तरीन शख्सियतें बर सगीर की ओलामा के हल्के में से उठने वाली शख्सियतों में हजरत शेख हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से आने वालों में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये दो अजीम तरीन शख्सियतें जिनके टक्कर की कोई शख्सियत पूरे आलम इस्लाम में नहीं बहरान उन्होंने ये कोशिश की थी अबुल कलाम उनके बेटों की उम्र के थे लेकिन उन्होंने देख लिया था इसमें जौहर है ये बात को पा गया है हकीकत तक अल्लाह ने इसकी रसाई करा दी है अलहलान औरबलाक बड़े शौक से पढ़ते थे शेखुल हिंद उन्होंने तजवीज की थी 1920 में कि अबुल कलाम को इमामुल हिंद मानो और इसके हाथ पर बैठ जिहाद करो और अल्लाह के दिन के गलबे के लिए सरबकफ हो जाओ लेकिन बाज़ ओलमा की मुखालफत की वजह से वो जल्स आम में वो तजवीज पास ना हो सकी उसको मजलिस मुंतजमा के सुपुर्द किया गया और मजलिस मुंतजमा के इजलास से पहले पहले हजरत शेख का इंतकाल हो गया वो तजवीज वहीं दफन हो गई। मेरी तहकीक यह कि उससे बदल होकर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपना रास्ता ही बदल लिया उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हुए और फिर पकिया पूरी जिंदगी उन्होंने जिसको के जिहाद हुर्रियत कहा जाएगा आजादी की जिदोजोद उसमें लगा दी जिसका कोई ताल्लुक दिन से बहरहाल नहीं था वो काम जो करना चाहता उसके बाद उन्होंने कभी हिजबुल्ला का नाम भी नहीं लिया इसके बाद एक और शख्सियत उठकर आई वो थे मौलाना सैयद अबूल आला मौदूदी मरहूम उन्होंने वही हुकूमत इलाहिया का लफ्ज शुरू किया हुकूमत इलाहिया के क्याम के, के लिए उन्होंने जमात इस्लामी कायम की तो मैं सिर्फ इस वक्त यह बताना चाहता हूं कि एक असलाह जो है जो इस सदी में इस्तेमाल हुई वो क्या है क्याम हुकूमत इलाहिया इससे आगे हिंदू पाकिस्तान में आने के बाद अब हुकूमत इलाहिया का मतलब क्या है इसको और सादा करके इस इस्तेमाल की गई निफाज निजाम इस्लामी उसके बाद जब यह चली थी तहरीक भुट्टो के खिलाफ एंटी भुट्टो मूवमेंट जब उसे मुशर्रफ में इस्लाम किया गया तो एक अशलाह इस्तेमाल की गई निफाज निजाम मुस्तफा ये सारी असलाहत जो है इनका मफहम वही है निजाम मुस्तफ़ा के नफाज का मतलब क्या निज़ाम इस्लामी के नफाज का मतलब क्या हुकूमत इलाहिया के नफाज का मतलब क्या बिल्कुल वही है जो आसमानी बादशाहत का जो है तेरी हुकूमत आए जो इकामत दीन जो तकबीर रब जो इजहार दीन जो एला कलमत जो यकून लिल्लाह ये इतलाहात अब कितनी हो गई नौ हुई गालिबन दसवीं वो है जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं इनकलाब इस्लामी इस्लामी इनकलाब इसलिए कि इंकलाब के मानी क्या है निजाम को बदलना एक निजाम है अल्लाह का निजाम एक निजाम है जमहूरी निजाम सेक्युलर निजाम इस निजाम को हटाकर अल्लाह का निजाम आएगा इसी का नाम इंकलाब है अगर किसी जगह पर सरमा दाराना निजाम है तो वो हटेगा तो इस तरह की निज़ाम आएगा ये तो नहीं हो सकता कि सरमाएाराना निजाम भी रहे इस तरह की निजाम भी आ जाए एक निजाम को हटाएंगे तो दूसरा है इस मानी में इस्लामी इंकलाब की असला जो आज इस्तेमाल हो रही है वो बिल्कुल इन्हीं असलाहत का आज के जमाने में आम फहम अंदाज है समझाने के लिए जहनों तक लागे ये है एक दीन का मफहूम अब आइए दूसरी बात देखिए इस इस्लामी इनकलाब के एतबार से या यात दीन के एतबार से जब हम पिछली तारीख का जायजा लेते हैं तो एक हकीकत उभर कर सामने आती है कि तारीख में पूरी इंसानी तारीख में एक ही इंसानी जिंदगी में एक पूरे इंकलाब का आ जाना दीन का पूरी तरह गालिब हो जाना सिर्फ एक मरतबा हुआ है और वो है मोहम्मद रसूल सल्ला की मिसाल इससे पहले कई जनरेशन में जाकर बात पूरी हुई दावत किसने शुरू की थी मूसा ने हिजरत किसके साथ हुई हजरत मूसा के साथ लेकिन कताल नहीं हो सका कौम ने जवाब दे दिया बात रुक गई ना वहां चालीस बरस की सजा दे दी गई यती हूं न फिर इसलिए बगैर इनकलाब नहीं आता जब उन्होंने इनकार कर दिया वहां रुक गया प्रोसेस अब चालीस दिन तक तो, चालीस साल तक तो लगा रहा फुल स्टॉप उसके बाद हजरत यूशा इब्ने नून की सरकर्दगी में बनी इसराइल ने कताल भी किया फिलिस्तीन पर कुछ गलबा भी हो गया लेकिन गलबा मुकम्मल नहीं हुआ उसके बाद भी दो सदियां बीत गई फिर जो आखिरी जंग हुई है तालूत और जालूद की जिसका सूर्य बकरा में जिक्र है वह कतला दाऊद और जालूता और दाऊद ने जालूद को कतल किया तब वो कामिल गलबा जो है हजरत तालूत के जरिए और फिर हजरत दाऊद आलाम के जरिए और फिर हजरत सुलेमान के जरिए हुआ तो हजरत मूसा से लेकर हजरत तालुद तक कम से कम तीन सौ बरस का फसल बात समझ में आई गलबा तो हुआ लेकिन हुआ कितने तवील जिद्दोजहद के नतीजे जबकि सीरत वसल्लम ये क्या है फर्द वाहिद दावत शुरू कर रहा है एक इंसान और कुल बीस बरस में या आप कहेंगे तेईस बरस हम सुनते रहे अव्वल तो यह कि हमारे हिसाब से वो तेईस बनते ही नहीं बाईस सवा बाईस बरस है वही के आगाज से लेकर हुजूर के इंतकाल तक 610 सौ दस ईसवी में वही पहली आई हुजूर पर सल्ला छे सो बत्तीस में आपका इंतकाल होगी कुल कितने हुए बाईस बरस इनमें से भी तीन निकाल दें या कम से कम दो सवा दो तो निकाले इसलिए कि जहां तक अरब का ताल्लुक है सन आठ हिजरी में गलबा मुकम्मल हो चुका जब मक्का फतेह हो गया ताइफ़ ने भी घुटने टेक दिए हुनैन में भी अल्लाह ने फता दे दी अब जजीरा नुमाए अरब में कोई ताकत नहीं रह गई थी जो मुकाबला कर सके चुनाच उसके बाद क्या हुआ हुआ कि नहीं हुआ पूरे जजीर नुमा अरब में से शिर का खात्मा कर दिया गया और अल्लाह काज मेरे नजदीक हजूर का कितना बड़ा मुआजा ये है तारीखी एतबार से इसलिए कि अगर आप दुनिया के दूसरे इनकाल का भी जायजा लें एक काबुल तो मैंने हजरत मूसा से करत कर दिया ना दावत शुरू की मूसा ने अलतम हिजरत हुई उनके साथ लेकिन हिजरत के बाद कताल जैसे यहां हिजरत के बाद गजबा बद्र हो गया क्यों कताल से कौम ने इनकार कर दिया चालीस साल का फुल स्टॉप फिर कताल तो हुआ लेकिन भरपूर अंदाज में नहीं हो सका दो सौ बरस तक ऐसे ही अप्स एंड डाउन जैसे हजूर की सीरत में छह बरस तक है सिर्फ सन दो हिजरी के रमजान से लेकर सन आठ हिजरी के रमजान तक छ बरस यहां बरस में फैसला वहां लग गए दो सौ बरस फिर वो हजरत तालूद के हाथों वो आखिरी फैसला कुल फतः हुई दीन का निजाम कायम हो गया और फिर उनकी जगह पर उनके जानशी हजरत दाऊद और हजरत सलेमान यहाँ क्या हुआ बीस बरस में फर्द वाहिद ने दावत शुरू की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह है असल अजमत मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम समझते हैं कि अजमत शायद इसमें है कि साया नहीं था या कौन सी अजमत की बात था भी कि नहीं था ये कोई सनद है नहीं है लेकिन भाई इसमें अजमत की बात कौन सी अजमत यह है जिसकी कोई नजीर नहीं पूरी तारीफ इंसान मैं ये कहता हूं कि नबियों के मामले को छोड़िए फ्रेंच रेवोल्यूशन और बॉल्सवेक रेवोल्यूशन ये दो रेवोल्यूशन है ना बहुत बड़े रूस का फ्रांस का फ्रांस के इंकलाब के लिए फिक्र देने वाले बीसियों मुसनफीन थे वॉल्टियर और रूसो और ना मालूम कौन कौन लेकिन उस इनकलाबी जिदोजहद की क्यादत उनमें से कोई नहीं कर सका एक लीडरलेस मॉब था जिसके जरिए से इंकलाब आया इसीलिए बड़ा खूनी इंकलाब कहलाता है ब्लडी रेवोल्यूशन इसी तरीके से मार्क्स ने एक फिक्र दिया लेकिन वो किसी एक गांव में भी इंकलाब ला सका किताब लिख के चलता बना किताब उसने लिखी कहा उसमें भी एक मदद एंजल्स की थी दोनों ने मिलकर एक फिक्र मुकम्मल किया कहा हुआ यह फिक्र मुकम्मल जर्मनी में और इंग्लिस्तान में जर्मनी और इंग्लिस्तान में वो इंकलाब आज तक भी नहीं आया इनकलाब आया कहा रूस में किसके हाथों लेन के हाथों मालूम हुआ कि इनकलाबाद की तकमील होती रही है कई कई में जाकर, और जनरेश आया है एक जनरेशन में एक नस्ल इंसानी कुल बीस बरस फर्द वाहिद से बात शुरू हुई और लखू का मुरबा मील के एक मुल्क पर Allah का दीन बमामो कमाल गायब हो गया इससे मैं एक नतीजा निकालता हूं अगर किसी को यह समझना हो कि रेवोल्यूशनरी प्रोसेस किस चीज का नाम है इनकलाबी अमल किसे कहते हैं तो उसकी सोर्स क्या होगी सीरत मोहम्मदी सल्लाम इसलिए कि यही वाद एक एक मिसाल है कि एक इंसानी जिंदगी में ये सारे मराहल हो गए और खास तौर पर अगर हमें यह समझना हो कि दीन का गलबा कैसे होता है तो हमारे लिए एक ही रास्ता है कि मुताला करें बड़ी गहराई में उतर कर सीरत मोहम्मदी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कि वह पता चलेगा पहले आपने क्या किया फिर क्या किया फिर क्या किया किस चीज को मुकदम किया किसको मर किया एक वक्त वो है कि हुक्म यह है कि चाहे तुम्हारे चीथड़े उड़ा दिए जाए हाथ मत उठाओ एक वक्त वो आया है कि हाथ खोल दिए गए क्या वजह इसकी देखिए मैं अर्ज कर दू साफ साफ ताकि बात आप समझें दुश्मनों ने इसको हुजूर की शख्सियत में तजादात का सबूत बयान किया तो है कि मुताद शख्सियत है मक्के में वो कह रहे हैं कि हाथ मत उठाओ और मदीने में आकर यह वाकया भी है कि नहीं एक पूरे कबीले के जवान मर्दों को कत्ल किया गया किया गया या नहीं फर्क है कि नहीं इसी तरह सुनिए सन हिजरी में बजाहिर इंतहाई गिर कर सुना कर रहे सुना उदय की क्या कैफियत थी साहबा के दिल कितने जख्मी थे हजरत उमर से नहीं रहा गया बजाहिर एक गुस्ताखी का इतक कर बैठे जिस पर सारी उम्र पछता है हजूर से जाकर पूछा कि हजूर क्या हम अकबर नहीं है हजूर ने मुस्करा कर जवाब दिया हम अकबर हैं फिर ये हम क्यों सुना कर रहे हैं दबकर यह सारी कैफियत में रखी एक वक्त में बज़ाहिर दबकर सुना की जा रही है दो साल बाद अबू सुफियान खुद चलकर आए हैं मक्के खुशामदेह कर रहे हैं कि सुलह की तजदीद कर दीजिए और हुजूर नहीं कर रहे तजाद है कि नहीं इसको जरूरत है कि समझा जाए हर शय अपनी जगह पर से सद्थ दुरुस्त है उससे हटा लेंगे तो गलत हो जाएगी अरबी में इसी को जुल्म कहते हैं वज उस फी गैर महल नहीं किसी चीज को उसके असल मकाम से हटाकर कहीं और रख देना यही जुल्म है जो उसकी जगह है वहां पर वो ठीक है तो सीरत का एक बड़ा जिसको इन डेप्थ स्टडी कहते हैं गहराई में मुताला किया जाएगा तो पता चलेगा कि किमत दीन का तरीकेकार क्या है और इमाम मालिक रहमत ला कौल कम से कम मैं मुझे मौलाना अबुल कलाम आजाद की सियासी हकमत अमली से शरीर अख्तिलाफ है जो कुछ उन्होंने बाद में किया 1920 के बाद उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं मैं बरमरा कह रहा हूं इसके बावजूद मैं कहता हूं कि मेरे कंधे पर उनका एहसान है यह शख्स है जिसने सबसे पहले वो हदीस याद दिलाई जो मैं आपको सुना चुका हूं आमोर कुम्बे बिलजमा वल हिजरत वरना वरनाश्का में लिखी हुई थी मुस्त अहमद में लिखी हुई थी जाब त्रिमदी में लिखी हुई थी हमारे से ओझल हो चुकी थी मैं वाक बता चुका हूं एक बहुत बड़े आलिम दीन से जब मैंने उसका हवाला पूछा था आज से बीस साल पहले तो उन्होंने कहा था कि अल्फाज ना नामानूस है इसलिए कि जहनों से निकल चुकी बात इसी तरीके से उनका एक बहुत बड़ा एहसान है उसी अल हल अलबलाग में उन्होंने जरत इमाम मालिक रहमत का एक कौल नकल किया था ला आखिर इस उम्मत के आखिरी हिस्से की असलाह नहीं हो सकेगी मगर उसी तरीके पर जिस तरीके पर के पहले हिस्से की असलाह हुई थी वो पहला हिस्सा कौन सा था मैंने कल आपको बताई थी वो हदीस सबाब हाजहिल उम्मा आज एक और हदीस उसी बात में से सुनिए हुजूर ने फरमाया कि मेरी इस उम्मत का जब हाल है बारिश का सा हाल है कि जैसे यह नहीं कहा जा सकता कि बारिश का पहला हिस्सा ज्यादा मुफीद होता है या आखिरी उसी तरीके से नहीं कहा जा सकेगा कि मेरी उम्मत का पहला हिस्सा बेहतर है या आखिरी या आखिरी दौर जो आना है जिसके आसार हैं वो आखिरी दौर जिसमें अल्लाह का दीन गालिब होगा पूरे कुरे अर्जी पर इसकी खबर दी है मोहम्मद वह हुआ सादिकमस्दूक वो, वो सादिक और मस्दूक है वो सच्चे हैं उनकी सदाकत की गवाही अल्लाह ने दी है उन्होंने फरमाया है कि पूरे कुरे अर्जी पर कोई घर नहीं रहेगा ना ईट और गारे का बना हुआ ना ऊंट के बालों से बने हुए कम्बलों का बना हुआ कोई खैबा रहेगा जिसमें अल्लाह का दीन दाखिल न होगा को तो गालिब होना है दीन पूरे कुर अर्जी के लिए आया है दीन सिर्फ जजीरा नुमाए अरब के लिए नहीं आया था हुजूर ने गालिब करके दिखा दिया और अब उम्मत के हवाले किया कि अब पूरे कुर अर्जी पर इसका गलबा तुम्हारे तो अब हमारे लिए बहुत जरूरी है जिस किसी का भी ये मकसद जिंदगी बन जाए मैं जो कह बैठा हूं बात थोड़ी सी वजाहत कर दूं ये काम तो होकर रहेगा सिर्फ ये है कि हम उसमें से शहादत का हिस्सा पाते हैं या नहीं ये हमारी ये हमारा मसला काफिला तो पहुंचेगा मंजिल पर तुम काफले के साथ हो या नहीं तुम महरूम रहते हो या शहादत में से हिस्सा पाते हो यह बात अलग है बाकी ये कि हो कर रहेगा ये हम नहीं कह सकते कब हो कर रहे अभी सौ साल लग जाए कोई परवाह नहीं पचास साल लग जाए कोई परवाह नहीं लेकिन यह कि होकर रहेगा ये और ये जान लीजिए कितने ही सहाबा ऐसे हैं ना जिन्होंने फतेह मक्का का मंजर नहीं देखा क्या सुबैया ने देखा यासिर ने देखा रजी अल्लाह तुबा क्या हमजा ने देखा मुसबिन उमेर ने देखा रजी अल्लाह तुमा तो क्या वो नाकाम हुए जिसने अपनी जान दे दी वो सुरखरू है उसकी जिंदगी में इंकलाब आए ना आए दीन गालिब हो ना हो उसका काम यह है कि जो कुछ उसको अल्लाह ने दिया था उसे लगा दे बस वो सुरखुरु वो कामयाब तो जान लीजिए कि पहली बात तो हमारे लिए ये है कि हम तय करें कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज यह हर एक का अपना एक इंडिविजुअल डिसीजन होगा एन इंडिविजुअल डिटर्मिनेशन एन इंडिविजुअल रेजोल्यूशन आप तो रेजोल्यूशन जानते ना जो जलसे में पास किया जाए रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन रिजॉल्व करना कानून रेजोल्यूशन कि आपका ये अपनी जगह पर फैसला हो कि मेरा फैसला ये है इन न सलाती व नुसो की व महिया व ममाती मैंने तय कर लिया कि जीना मरना सब कुछ तो कुतें सब कुछ औकात और सलाहियतें सब कुछ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए नहीं। पहला फैसला ये फिर जरूरत होगी कि अब इन डेप्थ स्टडी हो गहराई में उतर कर नबी के जो वाकयात हैं उनके सुतूर से समझिए कि दीन कैसे गालिब हुआ इसलिए कि उसी तरीके से होगा गालिब होगा तो कम्युनिस्टों से तरीक़े सीख कर दीन गालिब करना चाहें तो आपसे बढ़कर अहमक कोई नहीं किसी और इनकलाब को अपना आइडियल बनाकर उसका तरीका कॉपी करना चाहे नकल करना चाहे पागलपन होगी असल बात क्या है दीन को गालिब करना है तो उस वह मुहम्मदी तलाश करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यस्लुहु आखिरु हाज़िहिल लुम्मा इल्ला बिमा सलाह बिहि अव्वलुहा अब मैं ये चाहता हूं कि जरा सीरत मोहम्मदी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाली खाका आपके सामने रखूं, उससे रिड्यूस करते हुए इंफर करते हुए कि वो क्या मराहिल है किसी इनकलाब की और मैं आपसे कर रहा हूं कि मेरी सोर्स सिर्फ और सिर्फ सीरतुल्नबी है और कुछ नहीं मैं किसी को अगर और कोट करूंगा तो मिसाल के तौर पर कि दुनिया ने यह चीजें सीखी मोहम्मद से ये नहीं कि मैं किसी और को सनत समझता हूं ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए मुगालते हो जाते इन्होंने तो फला का नाम ले लिया नाम ये ले रहा हूं कि लोगों ने ये तरीके सीखे हैं मोहम्मद रसूल देखिए पहले में दीनी अत को अलहदा रखते हुए छह छे छेप से एक, एक रेवोल्यूशन के जो मैंने सीरत नब्बी से अखस किए हैं अला साहब असलात वो पहले नोट कर लीजिए गिन कर ये भी तीन जमा तीन है पहले भी याद आया कुछ तीन जमा तीन मजहब और दीन में यहां भी तीन जमा तीन पहले तीन के नतीजे में एक जमात वजूद में आती है इनकलाबी जमात और दूसरे तीन के नतीजे में वो इंकलाबी जमात तसादुम के जरिए निजाम बातिल को हटाती है निजाम हक को कायम करती है ये दो मेन स्टेजेस हैं पहले एक रेवल्यूशनरी पार्टी की जरूरत है उसके लिए तीन स्टेप्स हैं फिर वो रेवोल्यूशनरी पार्टी टकराएगी उसके भी तीन स्टेप्स हैं तीन जमा तीन पहले तीन क्या है किसी इनकलाबी नजरिए की इशात इंकलाबी अमल तो वहीं से शुरू होगा ना कि इंकलाबी नजरिया हो एक बात जान लीजिए कि वो इंकलाबी होना चाहिए वाक अगर इबादत से मुताल है तो इनकलाबी नहीं है बात समझ रहे उस नजरिए की काट पड़नी चाहिए इज्तमाहीजाम पर तब तो इनकलाबी हुआ वरना सच बोलो इसकी नसीहत करते रहो तो यह इनकलाबी नजरिया होगा अखलाकी तालीम है इसलाह है ठीक है नमाज की तलकीन करते रहो तो क्या इनकलाबी नजरिया होगा नहीं नजरिया वो लाना पड़ेगा कि जो निजाम की जड़ों पर पड़ता हो तेशा बनकर जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है पहला स्टेप क्या हुआ एक इनकलाबी और वाकई इंकलाबी नजरिए की नशर वशात दूसरा क्या होगा जो लोग उसे कबूल करें उनको मुनजम करना इसलिए कि तंजीम के बगैर जमात के बगैर डिसिप्लिन के बगैर इनकलाब नहीं आ सकता नसीहत हो सकती है वाज हो सकता है तलकिन हो सकती है तालीम हो सकती है इशात हो सकती है तबलीग हो सकती है इनकलाब नहीं आ सकता ये तंजीम भी कैसी होनी चाहिए इसके अंदर दो असाफ लाजमी है नंबर एक इसका डिसिप्लिन बहुत मजबूत हो इसलिए कि इनकलाब में तो तसादुम के ऐसे मराहल भी आते हैं जिसमें जरा ढीले ढील हुई अगर जमात में तो नाकामी हो जाएगी मैं उसकी मिसाल दूंगा आपको नंबर दो ये उस तंजीम में या उस इंकलाबी जमात में किसी शख्स का मरतबा और मकाम सिर्फ इस बात से तय होना चाहिए कि उसकी डेडिकेशन कितनी है वो इशार कितना कर रहा है वो कुर्बानी कितनी दे रहा है किसी और बुनियाद पर अगर उसके अंदर उसके कागर्स मुआन हुए कि फला ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ऊंचा होता है और फला शुदर है तो शुदर नीचा होता है तो यह इस बुनियाद पर इनकलाबी जमात वजूद में नहीं आएगी कम्युनिस्ट पार्टी में हो सकता है कि शूदर ऊंचा हो और ब्राह्मण नीचा रह जाए इसलिए उसको तो इनकलाब लाने के लिए जमा हुए ना उसमें ऊंच और नीच इससे तय होगी कि किसने कितनी कुर्बानी दी कौन कितना इशार कर रहा है कौन कितनी मेहनत कर रहा है कोई और नस्ल नसब कोई और दौलत कोई और पसमंजर ये उसके अंदर फैसला कुल नहीं हो तीसरा स्टेप क्या है तरबियत ट्रेनिंग इसमें एक बात नोट कर लीजिए ट्रेनिंग होगी इनकलाब की नौत के मुताबिक खालिश मादी इनकलाब लाना है तो मादी तरबियत कहा ऐसा लाना है कि जिसके अखलाकी और रूहानी अकदार भी है तो अगर वो इनकलाबी जमात के कारकुनों में वो अखलाब वो और साफ नहीं होंगे गए तो इंकलाब में कहा जाएंगे नोट दो, दो चार की तरह की बात ये तीन स्टेप जो है इससे क्या चीज वजूद में आएगी एक इनकलाबी जमात अब है तसादुम तसादुम के तीन फेज इस तरह आप एक रोज मैंने आपको बता दी थी देखिए पहली बात मैं आपको यह समझा दूं कि तसादुम शुरू कौन करता है जी आप यह समझते हैं कि मारपीट जो है वो माशरे की तरफ से हुई तो उन्होंने शुरू किया नहीं इसको मानना चाहिए कि तसादुम का आगाज इंकलाबी जमात करती क्यों वो कहती है कि यह निजाम गलत है एक निजाम है लोग रह रहे हैं रिकनसाइल किए हुए हैं कोई मजलूम है तो वह अपने जुल्म पर मजलूमियत पर काने हैं कोई पिसा हुआ है तो वो भी साबिर व शाकिर है इस तरह एक तालाब के अंदर पानी जो है पुरसकून हो सता उसके ऊपर कोई लहरें ना हो जो पहला पत्थर मारेगा लहरें उसी ने पैदा की ना जो खड़ा होकर कहता कि यह निजाम गलत है जालेमाना है मुस्तब दाना है एक्सप्लॉयटेटिव है अनजस्ट है उसने पत्थर मारा कि नहीं मारा वो अब उस निजाम की तरफ से रिटेलिएशन होगी वो अपने निजाम के तहफ के लिए वो ही करेंगे पहले चुटकियों में उड़ाने की कोशिश करेंगे फिर मार धाड़ करेंगे जेलों में ठूसेंगे कि हमारे निजाम के खिलाफ बगावत कर रहे हैं इसमें जब तक वो इनकलाबी जमात इतनी मजबूत नहीं हो जाती कि वो ये समझे कि हम कोई फैसला को इकदाम कर सकते हैं उस वक्त तक पैसिव रेजिस्टेंस होगी सबर महज होगा आदम तशद होगा अगर इनकलाबी लोग तशद पर उतर आए ईट का जवाब पत्थर से देने लगे तो कुचल दिए जाएंगे खत्म हो जाए ये बहुत अहम है इनकलाब के में उन्हें झेलना होगा बर्दाश्त करना होगा मारे खानी होंगी, जेलों में जाना होगा और जवाबी कार्रवाई से एहतराज करना होगा रुकना होगा बचना होगा क्योंकि अगर उन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई की तो पूरा अखलाकी जवाब हासिल हो जाता है फिर उस कायम निजाम को कि वो पूरी कुवत के साथ उनको कुचल दे और जब तक वो कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करते जो साइलेंट मेजोरिटी है उसकी हमदर्दियां इनके साथ होती जाती हैं देखो ये लोग भले लोग हैं मारे खा रहे हैं जेलों में जा रहे हैं इनका कोई कसूर नहीं कोई चोरी नहीं की कोई डाका नहीं डाला हाँ एक नजरिया है उसको मानते उन्होंने खुलूस से यह समझा है कि यही नजरिया बरहक है इस पर इन्हें मारा जा रहा है तो अंदर ही अंदर वो साइलेंट मेजोरिटी जो है उसकी हमदर्दियां उसके साथ होती है। और एक बात नोट कर लीजिए जब तक वो टारगेट नहीं आ जाता कि अब इतनी ताकत है कि अब हम आगे बढ़ें उस वक्त तक करने के काम वही तीन है दावत तबलीग तरबियत तंजीम तीन काम करते रहो और जो तुम पर आए उसको झेलते रहो जवाबी कार्रवाई मत करो पांचवा फेज कब आएगा जब यह महसूस हो कि अब हमारे पास मुनासिब ताकत है और यहां नोट कर लीजिए इसमें गलती हो सकती है हो सकता है आप समझे मुनासिब कुवत है और हकीकत में ना हो इसका क्या मतलब होगा प्री मेच्योरली आप इकदाम कर देंगे आप खत्म हो जाएंगे ये मंत की नतीजा है ये असेसमेंट का मामला है, जजमेंट है देर कैन बी ए मिस्टेक ऑफ जजमेंट रॉन्ग एसेसमेंट जस्ट पॉसिबल इसको जान में यहां पे नोट कर लीजिए लेकिन बहरहाल फैसला इसी पर होगा कि जब ये फैसला हो उस क्यादत का जो कि उसको लेकर चल रही है कि नहीं अब हमारे पास ताकत है तो अब आएगा पांचवा फेज एक्टिव रेजिस्टेंस उस निजाम को कहीं से छेड़ो जरा तो उसके खिलाफ कोई इकदाम करो उसके नतीजे में वो पूरी कुव्वत के साथ रिटेलिएट करेगा एंड फाइनल फेज जिसमें अब जान हथेली पर रखकर मैदान में आना होगा आर्म कॉन्फ्लिक्ट और जब ये फेज आ जाएगा तो जाहिर बात है या तख्त या तख्ता अब तो कोई और तीसरा रास्ता तो है समझ में आए ये छह फेज अगर मुनासिब तरबियत के बाद इकदाम किया गया है तैयारी काफी थी तादाद काफी थी ट्रेनिंग ठीक थी नजम सही था डिसिप्लिन सही था कामयाबी हो जाएगी कहीं भी रखना है नाकाम हो जाएगी सातवा फेज इसमें और ऐड कर लीजिए एक मुल्क में इनकलाब की तकमील के बाद फिर होता है उसकी एक्सटेंशन का मामला इनकिला कभी भी किसी एक जुग्राफियाई या कौमी हदूद के अंदर न कभी पाबंद रहा ना रह सकता है बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि यह किसी के ट्रू रेवोल्यूशन होने का टेस्ट है अगर उसकी तोसी नहीं हुई तो मालूम होगा कि सूडो रेवोल्यूशन था रियल रेवोल्यूशन ट्रू रेवोल्यूशन नहीं था हकीकी रेवोल्यूशन नहीं था जाहिर रेवोल्यूशन था इनकलाब तो फैलता है इनकलाब फ्रांस क्या फ्रांस तक रहा इनकलाब रूस क्या रूस तक महदूद रहा और उससे आगे आइए क्या इनकलाब मोहम्मदी अला साहब सलात वसलाम क्या अरब तक महदूद रहा यह सातवा फेज है अब इनको जहन में रखिए जरा सीरत का एक तायराना मुतायराना समझे कि नहीं बर्ड्स आई व्यू डिटेल्स में जाने का वक्त तो नहीं है लेकिन मेरे नजदीक ये सीरत मोहम्मदी वसल्लम का एक मुताला है इनकलाबी अमल के एतबार से चार फेजिस हुजूर की इस दावत के मुकम्मल हुए मक्की दौर में दावत तंजीम तरबियत और पैसिव रिजिस्टेंस, सबरे महज इनमें से जरा हर एक चीज के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी तशरी करूंगा इसलिए कि हमें तो समझना होगा ना कि अब हमें उन चीजों को कैसे अडॉप्ट करना है मैं आज सोच रहा था कि ईमानियात सलासा जो मैंने आपको गिनवाए थे एक अजीब हसीन तरतीब है उन तीनों का एक एक का ताल्लुक है एक एक मरहले से समझाने के लिए कह रहा हूं दावत की असल बुनियाद क्या है तोहीद लेकिन तोहहीद के कौन से पहलू एक है तोहहीद सिर्फ अकीदे की तोहहीद ना तो सिफात के बारे में एक है तोहीद के वो नतज के जो इज्तवाही जिंदगी में निकलते हैं तो ही का एक नतीजा यह है कि एक खालिक है सबका कोई बड़ा खुदा होता उसका पैदा किया इंसान ऊंचा होता कोई छोटा खुदा होता उसका पैदा करदा इंसान छोटा होता एक अल्लाह एक खालिक तमाम इंसान मसावी है कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं

खलकनाकर यह एक इनकलाबी नारा है इसकी इनकलाबियत का तस्वुर करना हो तो जाइए हिंदुस्तान में कह के देखिए सब इंसान बराबर हैं ये गुजरात में कितनी मरतबा फसादात हो चुके हैं किस बात पर नीच जात के हिंदुओं के लिए कुछ सीटें मुयन कर दी गई कॉलेज के अंदर ऊंची जात के लोगों ने जो कुछ किया है वो आपके इल्म में होगा पूरी पूरी बस्तियां मिला डाल वो मानने को तैयार है कि इंसान है कभी ब्राह्मण मान लेगा कभी घस्तुरी मान लेगा और इसका अगर देखना हो कहने को वो डेमोक्रेसीज हैं और वाकई ये कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर डेमोक्रेसी है लेकिन दिलों की दुनिया को सिर्फ ईमान बदल सकता है और कोई शह नहीं बदल सकती कोई कानून कोई दस्तूर नहीं बदल सकता अमेरिका में जाके देख लीजिए 200 सौ बरस हो गए हैं इस चमड़ी की रंगत के फर्क को खत्म करने की कोशिश करते हुए क्या कामयाबी हो सकी जान लीजिए ये बहुत बड़ा इंकलाबी नारा है हमारी बड़ी मुझे माना गफलत रही है कि हिंदुस्तान जैसी सरजमीन में हमने कम से कम छह सौ बरस तक तो पूरे हिंद पर हुकूमत की है लेकिन हमने वहां के इन गिरे पड़े तबकात को भी इस्लाम की दावत नहीं की अगर कोई दावत उन तक पहुंच गई होती कोई रुकावट थी डॉक्टर अंबेडकर ईमान लाने के लिए तैयार था अन्ना दौराई ईमान लाने के लिए तैयार था हीरो ऑफ तमिलनाडु आप सुनकर हैरान होंगे रुका किस बात पर कि आखिरी झगड़ा यह हो गया कि सुन्नी बनू के शिया बनू यह है वो चीज अन्ना दुराई के बारे में मुझे बताया गया जब मैं गया मद्रास के मीलाद की कोई महफिल कहीं हो रही हो वो नहीं छोड़ता था इतनी मोहब्बत थी उसे हुजूर के साथ और अन्ना दुराई का तमिलनाडु में वही मकाम है जो पूरे हिंदुस्तान में गांधी जी का है बहरहाल हमारी गफलतें हैं हमारी कोताहियां हैं उनके नतज भुगत रहे हमारे शहनशाहों ने अरबा अरब, अरब रुपया अपनी बीवी के लिए एक मकबरा तैयार करने पे लगाया है ठीक है दुनिया का आठवां सातवां उजूबा तो तैयार कर गया यही रुपया कहीं अगर इस्लाम की तबलीग में लगा होता आप सोचिए बर्र सगीर का नक्शा क्या होता ये किया बहरहाल ये तो दादा खाही गर्दा खाए सी ना गाहे गाहे बास नरा ये बात उस कबील की है इस वक्त असल मौजू की तरफ आई है तोहीद की एक क्रॉलरी इनकलाबी क्रॉलरी है इंसानी मुसावात तोहीद की दूसरी क्रॉलरी इंसानी हाकमियत की नफी इंसान हाकिम कहा हो सकता सब महकूम है हाकिम इसमें भी फिर इक्वालिटी आ गई दोबारा बंदा बंदाओ आका फसादे है। कहां का हाकिम कहां का महकूम खून इबाद अल्लाह इखवाना सब अल्लाह के बंदे बन जाओ और आपस में भाई भाई, भाई बन जाओ हाकमियत खुदा गैरुल्लाह की हाकमियत शिरक है बगावत है फितना है फसाद नंबर तीन मिल्कियत मुतलका सिर्फ अल्लाह के लिए कोई किसी शय का मालिक मुतलक नहीं है कि जो चाहूं करूं मेरी शय समझिए इस बात को जैसे हाकिम मुतलक अल्लाह वैसे मजाजन हम कह देते हैं फला शहर का हाकिम था फलामलू का हाकिब के मजाजी इस्तेमाल है हकीकतन सिर्फ इसी तरह मजाजन कह देता हूं मैं कि ये मैं इसका मालिक हूं सिर्फ अल्लाह समावत लर्स आसमान और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है वो तो कौन सी चीज रह गई जो मेरी हुई अजीब बात है मैं खुद उसका हूं मेरा हाथ मेरा नहीं कि जो चाहूं इससे कर गुजू मेरी जबान मेरी नहीं कि जो कुछ चाहूं इससे कह दू मेरी आंखें मेरी नहीं है कि जिधर चाहूं इनको घुमाता फिराता रहू एक मरतबा अगर अचानक निगाह पड़ जाए ना महरम पर तो माफ होगी दूसरी मरतबा गई माफी नहीं है हजूर ने फरमाया हजरत अली से अली पहली निगाह जो पड़ जाए जिसपे इरादे को दखल नहीं होता सिर्फ वो है कि जो मुआफ है अब दूसरी मरतबा निगाह जाएगी तो इरादे से गई ये इस आंख का नाजायज इस्तेमाल है। तुम्हारी नहीं है ये अल्लाह ये की अमानत है सियासत के मैदान में हाकमियत की बजाय खिलाफत और माशियात के मैदान में मिल्कियत की बजाय अमानत अमानत चंद रोजा दर हकीकत मालिक हर शेख खुदास और ये शेर इस दौर का किसी शायर का होता तो आप कहते हैं कोई कम्युनिज्म से मुतासर हो गया होगा ये किसका शेर है ई अमानत चंद रोजा नजदमाश दर हकीकत मालिक हर शेख खुदास किसका शेर है शेख सादी रहमत का ये है असल में तफसील तो है मेरे कैसेट चार चार पाँच पाँच उनकी तकरीरें जो मैंने की मस्जिदें दार्लाम में इस्लाम का सियासी निज़ाम इस्लाम का माशी निज़ाम इस्लाम का समाजी निज़ाम उनके सेट्स लीजिए सुनिए एक एक बात बताई है जो इन तीनों निज़ामों से मुतालिक है जो दर हकीकत ये सब क्या है फ़कत एक नुक़ः ईमा की तफसीरें यह एक ही तोहहीद का उसूल है जिसने समाजी सतह पर इंसानी मुसावत सियासी मैदान में हाकमियत खुदाबंदी और माशी मैदान में और मिल्कितम की ये तीन असूल दिए इनका प्रचार होगा तो इनकलाब इस्लामी का पहला कदम उठेगा समझ गए मेरी बात को इससे हटकर आप दावत करते रहिए नसीहत करते रहिए नमाज की तलकीन करते रहिए आप इतबा सुन्नत की तलकिन करते रहिए इनकलाबी अमल शुरू नहीं होगा लेकिन यह मैं नहीं कहता कि सवाब से खाली है यह काम सवाब मिलेगा यह मैं नहीं कहता कि इसमें कोई भलाई नहीं है वो भलाई तो मिलेगी जो हजूर ने फरमाया वो भी हजरत अली से खिताब के फरमाया था कि अगर अल्लाह तुम्हारे जरिए एक इंसान को भी हिदायत दे दे तो ये सुरख ऊंटों से भी बड़ी दौलत है ये अपनी जगह इसकी नफी नहीं है लेकिन निजाम बदलना इकामत कामत दीन तकबीर रब ए लाए कले मत इसकी जिद्दोजहद का आगाज भी नहीं होगा जब तक के दीन की इन तालीमात की नशर व नहीं नंबर दो तंजीम तंजीम के लेवल पर ईमान बिर रसालत है असल शेयर देखिए तंजीम किसे कहते हैं एक लीडर उसका हुक्म मानना यही है ना और हुक्म भी कैसा मानना कि सुनो और इत करो अगर जैसे कि फौज में होता है कि अगर सिपाही पूछने लगे कि जनाब आप हुक्म तो मुझे दे रहे हैं लेकिन क्यों दे रहे हैं पहले ये समझाइए मेरे ख्याल में तो आप गलत हुक्म दे रहे हैं। तो फौज चल सकती है फौजी डिसिप्लिन किसे कहते हैं मैंने वो अंग्रेजी नदम का स्टैंडा आपको सुनाया था चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड देर इज नॉट टू रीजन इज बट टू डू एंड डाई और इनकलाब इसके बगैर नहीं आता सोतात फसमी हूँ सुनो और इतात करो इस कुल तुम समय नाता ना जब तुमने कहा कि हमने सुना और इतात की है कि नहीं सत्यकुल्लाहम अस्तता तुम वस बहु आती हो ये बार बार अल्फाज मिलेंगे अब आप बताइए कि क्या रसूल पर ईमान लाने वालों की इतात इसी नौयत की नहीं होगी दुनिया में कोई और लीडर हो सकता है जिसके हुक्म को कभी क्वेश्चन ना किया जा सके लेकिन जिसको रसूल मान लिया क्या उसके हुक्म को भी आप क्वेश्चन कर सकते वाक ये है कि जो डिसिप्लिन साहब साहबा कराम की जमात का था उसकी कोई मिसाल तारीख इंसानी का कोई डिसिप्लिन पेश नहीं कर सकता मैं उसकी मिसाल दूंगा आपको और एक मिसाल उसकी भी दूंगा कि बा साहबा से इस डिसिप्लिन में जरा गलती हुई थी तो नतीजा क्या निकला लेकिन ये जान लीजिए कि रसूल मानने के बाद तो अब आप, आप चू कर सकते ही नहीं ना मोमिन महाकाल अमरन अमरे किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह मुमकिन ही नहीं है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से किसी बात का फैसला हो जाए तो फिर वो ये सोचे कि हमें भी कोई इख्तियार है कि नहीं है कि नहीं लेकिन इसमें एक बात समझ लीजिए आइंदा के लिए मैंने आपको बताया हुजूर ने इंकलाब बर्पा किया अरब में आलमी इंकलाब की जिम्मेदारी किसके हवाले की उम्मत के खिलाफत राशद में सहाबा ने उसको पूरा किया आलमी सतह तक पहुंचने से पहले एक यहूदी साजिश ने इंटरनल सेबोटाज कर दिया बार कदम रुक गए उसके बाद से पछपाई शुरू हो गई लेकिन होकर रहेगा हो नहीं सकता कि मोहम्मद की सेसत हो आलमी और दीन का आलमी गलबा ना हो ये मुमकिन नहीं हो कर रहेगा अच्छा अब जो करेंगे क्या कोई रसूल होगा चलिए एहले तशैयो के लिए तो फिर भी कुछ है जेन में कि कोई इमाम मासूम होगा हम तो उसके भी कायल नहीं हम ना इमामत मासूमा के पहले कायल ना आइंदा कायल हम हजरत अबू बकर को इमाम मासूम नहीं समझते या समझते हो तो अब आप बताइए फिर क्या होगा उसके लिए मोहम्मद रसूल सल्लम ने अपनी सुन्नत छोड़ी बैत बैत सिर्फ नबी की नहीं होती बैत तो किसी की भी हो सकती बैत एक बै बैतब बै सानिया बैत रिजवान बैत जिहादुल मुहम्मदा अलल जिहाद बा चौदह सौ अफराद से बैठ ले रहे हैं के मौके पर हालांकि वो चौदह अफराद तो मरने मारने पर तुले हुए उन्हें तो वो सुना पसंद नहीं आ रही तो बैत की क्या जरूरत थी बैत मौत, बैतला न फिर सिर्फ इसलिए कि आइंदा वालों के लिए एक रहनुमाई हो जाए कि जब भी कभी इकामत दिन के लिए जमात कायम होगी वो बैत की बुनियाद पर होगी अल्बत्ता एक फर्क के साथ रसूल की बैठ थी मुतलक जो हुक्म देंगे मानेंगे रसूल के बाद जिसकी भी बैत होगी वो मुक्य होगी मारूफ में जो हुक्म दे किताब सुन्नत के खिलाफ हुक्म देंगे तो नहीं मानेंगे। मुतलक वो इसलिए थी कि वो खुद ही तो है मैं यार हक वही तो बताएंगे तो मालूम होगा कि ये जायज है वही बताएंगे तो मालूम होगा ये ना जायज लिहाजा उनकी इतात जो थी सल्लाम वो उसमें अनकंडीशनल थी नो कंडीशन नो लिमिटेशन लेकिन अब जिसकी भी होगी कंडीशनल होगी लिमिटेड होगी इसको कहते हैं समोतात मारूफ। सिर्फ मैंने एक उसूल वाजे कर दिया अब आगे चलिए तीसरी चीज तरबियत इसमें नोट कीजिए कि तरबियत मोहम्मदी वसल्लम उसका असल ताल्लुक है ईमान बिल आखिर से जितना यकीन आखरत का होगा उतना अमल दुरुस्त होगा यह मैं बयान कर चुका चुकाऊं कि नहीं। इल्मी नजरी नहींतबार से असल ईमान ईमान बिल्ला कानूनी एतबार से असल ईमान ईमान बिल रसालत और आमली और अखलाकी एबार से असल ईमान ईमान बिल आखिर। यकीन आखरत और नंबर दो ये तरबियत है असल में जिसके लिए नमाज है जिसके लिए रोजा है जिसके लिए लैल है जिसके लिए रातों को खड़े रहकर कुरान को अपने अंदर उतारना है या यूहल मुजमिल हो कलीला और आखिर में क्या फरमाया يعلم تقوم من الليل ونصفه न रब من का معك यहां आई वो चीज इसलिए कि इस्लामी इंकलाब के, के लिए इस्लामी सीरत दरकार होगी अगर यह नहीं है तो फसाद बर्पा किया जा सकता है इस्लाम को कायम नहीं किया जा सकता किसी की टांग घसीटी जा सकती है हमने दो दफा घसी थी पाकिस्तान में अयुब खा की घसी थी क्या घसी थी लेकिन उसकी घसी थी तो नसी है क्या निकला शाम भुट्टो गरिफ्त हुआ कि नहीं फिर भुट्टो की घसी थी तो अब मार्शल आ गया ये क्यों इसलिए तरीका मोहम्मद का नहीं है सुधार जुलूस निकल रहे हैं निजाम मुस्तफ़ा के और नमाजें गायब हो रही हैं असर की भी मगरिब की भी जलसे हो रहे हैं, लीडर लोग उठकर डाइस पर से जाके अपनी नमाज पढ़ के आ गए हैं यह ख्याल नहीं कि ये जो बीस हजार आदमी सामने बैठा हुआ है नमाज उस पर भी फर्ज है कि नहीं नमाज जैसे सतून को गिरा कर को कायम किया जाएगा असला तो इमादुद्दीन और घेराव हो रहा है और जलाव हो रहा है और कारें जलाई जा रही है और शीशे तोड़े जा रहे हैं और स्ट्रीट लाइट्स तोड़ी जा रही हैं ये तरीके तो कम्युनिस्टों के हैं भाई इससे इनकलाब मोहम्मद ही आ जाएगा बेगुनाह बसें जलाई जा रही कोई गुनाह है उनका मुसाफिरों को तकलीफ पहुंचाई जा रही वो आपको कोस रहे होंगे दिल में या दुआएं दे रहे होंगे जिन्हें बंस रोड पे उतार के खड़ा कर दिया पता नहीं कितनी मुश्किल से बस में जगा ली होगी उन्होंने कितने लोग तो उल्टी जानिब सफर करते तब कहीं जाकर टावर से बैठते बेचारे और उनको उतार के और बस को आग लगा दी बच्चे घरों में बैठे हुए मुंतजिर होंगे उधर वो गालियां दे रहे होंगे नजर नहीं आता कि कोई सवारी जाए। ये तरीके नहीं है के। ये हमने दूसरों से मुस्तार लिए हमने समझा कि उनको कामयाबी इससे हो गई शायद हम भी यही हथकंडे इस्तेमाल करें तो कामयाबी हो जाए जान लीजिए अगर तो काम वो करना है जो किया था मोहम्मद अलैहि सल्लम ने तो तरीका भी वही इख्तियार करना होगा जो इख्तियार फरमाया था मोहम्मद तरबियत इकबाल कहता है ना कि खाम है जब तक तो है मिट्टी का ही कम बार तू पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेजिनहार पुख्ता हो इस पुख्तगी में वो है इबादात भी है रोजा भी है नमाज भी है तिलावत भी है तहजद भी है जिसका के यूं समझिए कि उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या है दुश्मनों के जासूसों ने खिलाफत राशदा के दौरान जो इस्लामी लश्कर था उसके बारे में जो रिपोर्ट दी वो क्या थी फुरसानुम बिन नहारुहबान बिन लेल ये लोग अजीब दिन में ये शहसवार होते हैं घोड़ों की पीठों पर सवार तलवारे और नेजे लिए हुए, और अल्लाह अकबर करते हुए और रातों को ये राहिब नजर आते हैं मुसल्लों पर खड़े होकर और सजदे में रोते हुए ये नक्शा अगर उतना नहीं तो उसका एक अक्स सौवा हिस्सा तो पैदा करोगे तो कहीं जाकर इनकलाब मोहम्मदी के लिए तमहीद होगी और ये मैं अर्ज कर दू इसको नामुमकिन ना समझिए पिछली सदी आ चूके जिक्र आ गया था कुल एक सौ कितने साल हुए 1830 सो तीस में शहादत हुई बालाकोट की एक सौ पचपन बरस पांच बरस का पूरा मामला था हिजरत से लेकर शहादत तक तो कुल डेढ़ सौ बरस पहले तू समझिए एक सौ साठ बरस पहले वो अजीम तहरीक बर सगीर पाक व हिंद में तहरीक शहीद उसके अफराध उन मुजाहिदीन की सीरतों के बारे में वही गवाही दी दुनिया ने जो साहबा किराम के बारे में गवाही दी साहबा क्राम का लश्कर जब दाखिल हुआ है बैतुलमुकदस में तो ईसाइयों ने अपना सारा निस्वानी हुसन मुडेरों पर जमा कर दिया था कि मुसलमान गुजरे हमारी तलवारें और हमारे तीर तो इनको मगलूब नहीं कर सके शायद के ये निगाहों के तीर इन्हें घायल कर दे। लेकिन क्या आता है पूरा लश्कर जमीन पर नजरें गाड़े हुए ऐसे गुजर गया कि किसी ने उठाकर नहीं देखा नजर के कौन है ऊपर और बैन ही यही गवाही मिली है मुजाहिदीन के बारे में हजारा के इलाके में जो गुजर कौम आबाद है निहायत हसीदो वबीर खुवान निहायत हसीदो वबीर वो आपस में बातें करती थी कि ये लोग मालूम होता है कि शायद नामर्द हैं कि इन्होंने कभी हमारी तरफ निगाह उठा के दौरे साहब कराम का एक नक्शा यह भी बर सगीर पाक हिंद की बहुत बड़ी शादत है कि इतने अरसे के बाद सीरत किरदार और दीनी अखलाक दीनी जमात और बैत की बुनियाद पर जमात बैत की सैयद साहब के हाथ पर बैत की वो सारा नक्शा दिखा दिया बाकी शिकस्त तो नसीबों से है वले है मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया यह बात तो यह है कि बहुत से अंबिया नाकाम हो गए दुनियावी एतबार से इसमें कोई हरज की बात नहीं दुनियावी एतबार से नाकामी कोई बड़ी बात नहीं अगर उखरवी कामयाबी और उसमें किसी शक को सुबह की गुंजाइश तो तीन चीजें क्या हुई दावत तोहिद के हवाले से तंजीम जो सहाबा की थी रिसालत और अब होगी तो बैठते समोतासिल मारूफ के हवाले तर्भियत, स्ल्ला से तरबियत वो तरबियत मोहम्मद का तरीका इससे क्या बना एक जमात एक जमीयत एक कवत बुनियान बरसूस इसके साथ चौथा अमल चला है वो भी मक्की दौर में इस पूरे अरसे में बारह बरस में क्या हुक्म था मुसलमानों को कुू कुम कानून तो शरीयत का हमेशा से यह है बदले का किसास का है दांत के बदले दांत और कान के बदले कान है कि नहीं लेकिन इस अमल में इनकलाबी अमल में इकामत दिन की जिद्दोजहद में वो कानून नहीं चलेगा इस दौर में जब दीन गालिब आ जाएगा इस्लामी रियासत कायम हो जाएगी तो वो कानून नाफिज होगा इसमें क्या है मारे खाओ हाथ ना उठाओ टुकड़े उड़ा दिए जाए तुम्हारे तब भी तुम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते मैं अर्ज करना चाहता हूं गांधी का यह एतराफ है कि मैंने अदम तशद हजरत मसीह और हजरत मोहम्मद से सीखा और वाक यह है कि अगर कांग्रेस की मूवमेंट इब्तदा ही से तशद पे उतर आती तो खत्म कर दी चौरा चौरी का एक वाकया हो गया था एक जुलूस ने बिहार में ये जगह है थाना है थाने के ऊपर हमला कर दिया गांधी ने पूरी मूवमेंट कॉल ऑफ कर दी इफ यू कांट रिमेन पीसफुल इफ यू कांट ओबे माई कमांड आई कांट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग यू और एक बात मैं और बता दूं आपको सिखों की एक तहरीक तो आजकल चल रही है इस तहरीक की बदकिस्मती है यह कि यह इब्तदाही से वायलेंट हो गई उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसका सबको अंदाजा है ठीक है फॉर्म है उसमें जान है वह अभी कुर्बानियां दे रही है लेकिन यह कि जो कुछ जितनी कीमत वो दे चुकी है उसके हवाले से कामयाबी जो है कहीं भी आस पास नहीं इन्हीं सिक्कों की एक तहरीक चली थी थर्टीज में अजीब तहरीक थी वो आप सुने दे। अब हमारी ये तारीख है लेकिन हम वाकिफ नहीं शायद आपको हंसी आए सिखों के गुरुद्वारों के साथ जो जमीनें वक्त थी उन पर कब्जा हिंदुओं का था चूंकि बरतानवी हुकूमत ने सिखों को अलाहदा मजहब नहीं माना था लिहाजा गुरुद्वारों पर कंट्रोल किसका इबादत है किसकी सिखों की कंट्रोल किसका हिंदुओं का तो एक तहरीक उन्होंने चलाई थी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कुछ इस तरह का नाम था उसका उसका मकसद क्या था कि हमारी इबादत गाहों का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए अब भी वो कमेटी है वही कमेटी अब कंट्रोल करती गुरुद्वारों अब इसके लिए जाहिर बात है कि शेर के मुंह में से निवाना निकालना आसान तो नहीं ना तहरीक चलानी पड़ती है हुकूक कोई आसानी से नहीं देता जब तक कि आप लेने के काबिल ना हो उन्हें तहरीक चलानी पड़ी पुलिस जैसे अब भी है उस वक्त भी पैसे वाले के साथ थी पैसे वाला कौन था बनिया लिहाजा दफा एक सौ चवालीस अब सिक्कों के जत्थे निकलते थे एक सौ चवालीस को डिफाई करने के लिए उन जत्थों का मुझे एक साहब ने आंखों देखा हाल बताया है अभी वो जिंदा है उनहत्तर इकबाल रोड लाहौर पर जोशस जाए जाके वेरीफाई कर ले हाजी अब्दुल वाहिद साहब, 1930 के एम ए है इंग्लिश के वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा जत्था निकलता था लेकिन सिखों के उस जत्थे को जो डिफाई कर रहा है एक सौ चवालीस को दफा एक सौ चवालीस की खिलाफ वर्जी उन्हें हुक्म था हाथ बांधे रखो नतीजा यह निकलता था वो कहते मैंने आंखों से देखा कि सिपाही का की लाठी सर पर पड़ी सर फट गया खालसा नीचे गिर गया लेकिन हाथ बने रहे नतीजा यह निकला कि कामयाब हुए हुकूमत को घुटने टेकने पड़े गुरुद्वारों का कंट्रोल उन्हें हासिल किया ये है असल में मैं तो हैरान हो गया जब उन्होंने मुझे वाक्य सुनाया उनके जहन में नहीं था कुरान मजीद में सूरह निशा में जो लफ्ज आया कुफू ए दिया अपने हाथ बधे रखो आप अंदाजा कीजिए कि यह रिफ्लेक्स एक्शन है गैर इख्तियारी तौर पर अगर आपके सर पर कोई वार आ रहा हो तो हाथ एकदम उठता कि हाथ उसको रोके लेकिन उन्हें हुक्म था कि हाथ यहां बधे रहेंगे जत्था निकल रहा चार से ज्यादा आदमियों का जाना बस यही खिलाफ वर्जी है पचास का जत्था निकला खिलाफ वर्जी तो हो गई लेकिन कोई तोड़ फोड़ नहीं तोड़ फोड़ तो दूर रहा तुम्हारे ऊपर लाठी पड़े तब भी हाथ ना उठे ये वो चीज थी कि जिसने उन्हें कामयाबी से हमकिन किया और यही हमें नजर आ रहा है मैं फिर कह रहा हूं यह तो बहुत बात की चीजें हैं ये कहा तारीख में इससे पहले इसकी कोई मिसाल है सिर्फ दो मिसालें हैं या हजरत मसीह के तीन साल उन्होंने फरमाया था कि तुम्हारे दाने गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो माया भी पेश करो कोई शख्स नालिश करके तुम्हारा चोहा लेना चाहे कुर्ता भी दे कोई शख्स तुम्हें बेगार में एक कोस लेके जाना चाहे तुम दो कोस उसके साथ जाओ या तो ये वहां मिलता है और या फिर ये बारह बरस जो मक्की दौर के हैं ये मोहम्मद रसुल्लाह का फरमान था और मैं इसी को लेता हूं इसी से सामने आता है कि कितना जबरदस्त डिसिप्लिन था जमात को का कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई तो नहीं है यह हुक्म किसका था मोहम्मद इसमें रू इसमें रू सबर करो मैं बता चुका हूं सबर वाली तकनीर में अल्लाह बार बार कह रहा है अपने रसूल से रसूल सब्र कीजिए और रसूल इसी को कम्युनिकेट कर रहा है इस पैगाम को अपने मानने वालों की तरफ सब्र करो हेलो नो रिटेलिएशन नो रेजिंग ऑफ हैंड्स इवन इन सेल्फ डिफेंस हाँ अब आया पांचवां मरहला कब आया ये जान लीजिए यहां सीरत का मसला है चौथे से पांचवा मरहला मैंने कहा था यही सबसे अहम और सबसे कठिन फैसला है कि कब वो पैसिव रेजिस्टेंस खत्म हो और एक्टिव रेजिस्टेंस हो आगे बढ़े और ललकारें इकदाम करें और चैलेंज करें दिस इज मोस्ट क्रूशल इसमें गलती होगी नाकामी हो, ना हो जाएगी दुनिया में नाकामी ये बिल्कुल वही बात है कि मुज्तहिद को भी सवाब मिलता है चाहे गलती हो अगर सही राय तक पहुंचेगा दोहरा सवाब गलती होगी तो अकेला सवाब इसी तरीके से नेक नेकनीयति से फैसला किया है गलत भी है आखिरत का सवाब कहीं नहीं गया दुनिया में नाकाम हो जाओ सही फैसले तक पहुंच गए हो कामयाबी हो जाए और रसूल के लिए यह फैसला करने वाला खुद अल्लाह था मदीने को किसने खोला जूर तो तशहर भी नहीं ले गए मदीने और मदीने में औसर खजरत के बड़े लोग ही मान ला चुके हैं मक्का खून का प्यासा है मदीने में इस्तेमाल की तैयारियां हो रही यहां हजूर को बारह बरस गुजर गए खुद दावत देते हुए वहां आपके कदम मुबारक कभी पहुंचे ही नहीं गए हैं तो सिर्फ आपके दो जानिसार मुसिन उमेर अब्दुल्ला मकतूब रजी अल्लाह तारा

इनके अभी तक हाथ बांध दिए गए थे आज खोल दिए गए दे कैन रिटेलिएट वो आगे बढ़े अब वो पाबंदी खत्म हो गई मैं ये किसी अपनी तकरीर में बयान कर चुका हूं कि मदीने पहुंचकर ये नहीं हुआ ये मगरबी मुफक्रीन उसको फ्लाइट टू मदीना लिखते हैं बड़ा इनका लतीफ अंदाज होता है तंज का भी और जड़े काटने का भी फ्लाइट कहते हैं फिरार को ये फिरार नहीं था ये हिजरत थी जमीन व आसमान का फर्क और वहां जाकर कोई कमर खोलकर आराम नहीं करना था वो तो जिस बेस की तलाश में आप गए थे ताइफ। वो बेस अल्लाह की मसीहत में मदीना मनमुरा को बनना था वहां जाकर अपनी उस तहरीक को अपनी उस मूवमेंट को अपनी जिद्दोजहद को इकामत दीन की जो वो जिद्दोजहद है उसे अब अगले मरहले में लाना सिर्फ छह महीने हुजूर ने लिए हैं इंटरनल कंसोलिडेशन के मुआखात बैन महाजरीन वलंसार नंबर दो मस्जिद नबी की तामीर नंबर तीन यहूद के साथ सातवें महीने आपने छापा मार दस्ते भेजने शुरू कर दिए अगरचे उसमें गए सिर्फ मुहाजरीन, अंसार नहीं उसकी एक वजह थी अंसार ने जब दरखास्त की थी कि हजूर आप तशीफ ले आइए मदीने तो अल्फाज ये कहे थे कि हम आप अगर मदीने पर हमला करेंगे ये मक्के वाले तो हम आपकी हिफाजत करेंगे जैसे कि अपने अहलो आयाल की करते हैं और मदीने पे हमला भी हुआ ही नहीं है ये तो हुजूर इस दाम कर रहे हैं ना लिहाजा बहुत अहम है ये बात ये तमाम सीरत की किताबों में वाकयात मौजूद है, लेकिन उनके बिटवीन दिनी अमल का तकादा था कि इस वक्त ये होता बस ये समझने की बात है विजडम क्या है फलसफा क्या है यह मैं आपको फलसफा सीरत आज पढ़ा रहा हूं आप इसको सामने रखिएगा और फिर सीरत का मतालत तो वही है आठ मुहिमे हैं गजवा बदर से पहले पहले बाद में बादजूर खुद भी तशरीफ ले गए बाद, बाद में आप नहीं तशरीफ ले गए आपने एक दस्तावेज दिया इनसे आपने किया क्या यह इकदाम है किया क्या दो काम मैं बता चुका हूं पॉलिटिकल आइसोलेशन ऑफ कुरैश और इकोनॉमिक ब्लॉकेट ऑफ पक्का आप एक मुहिम पर तश्रीफ ले गए चंद्र कुछर से एक इलाके में रहे वहां के कबीले के सरदारों से मुलाकातें की उनसे माहिदा कर लिया उन्हें हलीफ बना लिया या तो पहले वो हलीफ थे कुरैश के तो अब हलीफ कुरैश के भी हो गए और हुजूर के भी हो गए न्यूट्रल तो हो गए ना या ये कि उनका उधर से मुआवजा टूट गया इधर हुजूर के साथ ही हो गए तो कुरैश की ताकत सुकड़ रही है कि नहीं यही है पॉलिटिकल आइसोलेशन की इस तरह अकेले कर दो दुश्मन को नंबर दो उनकी सारी जो मीशत का दारो मदार था तजारत पर कैरेवान रूट रिताए व सैफ ले कुरैश इलाफे शिताए व सैफ शाम की तरफ रास्ता जा रहा है तो बदर के पास से गुजर कर बदर मक्के से 200 मील और मदीने से कुल अस्सी मील मदीने वालों के लिए आसान है कि नहीं इंटरसेप्ट करना और यह तो करीब था हुजूर ने एक दस्ता भेजा कहा वादी है में नखला है मक्के और ताइफ के दरमियान ये तो जहन में होगा ताइफ जुनूब में है मक्के के और मदीना शिवाल में एब्सोल्यूटली ऑपोजिट डायरेक्शन बात सिर्फ कुर्ब की नहीं है तीन सौ मील के फासले पर भी एक दस्ता भी और इंस्ट्रक्शन क्या थी स्टे एट नखला वहां क्याम करो और कुरैश की नकलो हरकत को अपनी निगाह में रखो और हमें इतला देते रहो ये दो चीजें जहन में रखी और जदीद असलाहत के हवाले से बात आसान हो रही ये है इकदाम यह है दुखती रख को छेड़ना इसके नतीजे में मैं एक लफ्ज कहा करता हूं सांप बिल से बाहर आया एक हजार का लश्कर लेकर अबू जहल निकला मैं एक बात आपको समझा दूं ये शायद कहीं और आपको ना मिले देखिए ये जान लीजिए अंग्रेजी दौर में हमने सीरत को भी मस्क किया है उसकी वजह क्या थी वाकयात को मस्क नहीं किया बिटवीन दी लाइज जो कुछ था उसको मस्क किया है। हम पर एतराज होता था यह मुसलमान बड़ी खूनी कौम इन्होंने जिहाद किया इस्लाम जोर कि, इस तलवार से फैलाया हम आज नहीं नहीं भाई नहीं क्यों ऐसी बात करते हो हमने कभी तलवार नहीं उठाई और हमने तलवार से मुदाफियत में उठाई ये सारा क्या था वो एपोलोजेटिक अंदाज मुदाफियत का क्या सवाल मुसलमान के जान में जान हो और वो निजाम बातिल को रहने दे उसके ईमान के मुनाफी अफराद को कभी नहीं मजबूर किया जाएगा और कभी नहीं किया गया कि वो अपने अकीदे को बदले लेकिन निजाम अगर मुसलमान के जान में जान हो और फिर निजाम बातिल के गलबे को बर्दाश्त कर ले तो मुनाफिक ताकत की और ताकत होती क्या के लिए अगर हो हक का बोलबाला करो ताकत ने ने। ने किया मैं आपको बताना चाहता हूं अगर हुजूर ने एकदम ना किए होते हुजूर अगर मक्के हुए मदीने में फरमा रहे थे तरबियत करते रहते वही अमल जो मक्के में कर रहे थे बारह बरस यहां भी कर सकते थे कि नहीं अगर हुजूर की तरफ से एकदम ना होता मक्का कभी चढ़ाई ना करता इसको नोट कर लीजिए कि मक्के में जहां जिनको जदीद असलाह में कहते हॉक्स जिनके सर पर जंग का जुनून होता है वो भी थे अब जहल था उबन अभी मोयद था नजर इबन हारिश था ये कौन थे ये हॉक्स थे ये चाहते थे कि हर हाल में अब हम जाएं और मोहम्मद को मदीने में भी चैन ले से ना बैठने दें सल्ला लेकिन मक्के में डव्स भी थी शरीफ लोग भी थे उत्तम इबन रबिया भी था हकीम बिन हिजाम भी थे ये बाद में ईमान ले आए हैं लेकिन ये वो हैं हजरत खदीजा के कजिन है फूपी और मामोजार बहन भाई का रिश्ता है आपस में जब शेब बनी हाशिम में थे हजूर और हजूर के अहले खाना तो कभी रातों को तारीकी में पूरे पहाड़ पर चढ़कर उतरकर कर कुछ खाने पीने की चीजें पहुंचाते थे शरीफ थे कि नहीं मक्के में अभी अब्बास भी थे थे के नहीं जहाँ अबू लहब था मौजूद वहां अब्बास भी तो थे जो बाद में ईमान ले आए तो वहां वो लोग थे और उतबा इब्ने रबिया की एक बात बड़ी अहम है जो तारीख में रिकॉर्ड पर मौजूद है उसने कुरैश को यह मशवरा दिया कि अब तुम मैं उसके अल्फाज नकल कर रहा हूं समझिए मोहम्मद को अरब के हवाले कर दो अगर तो मोहम्मद अरब पर गालिब आ जाए तो हमारा नुकसान नहीं है कुरैशी का गलबा होगा ना जरा उसके जरा सियासी तदब्बुर को दाद दी है। मोहम्मद कौन है अपना ही आदमी है अगर उनको गलबा हो जाता पूरे अरब पर तो कुरैश की हुकूमत कायम हो जाएगी पूरे अरब पर और अगर अरब खत्म कर दे मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा और तुम्हें अपने भाइयों के खून से अपनी तलवारों को रंगीन नहीं करना पड़ेगा कितनी गहरी बात है वो भी था मौजूद जंग क्यों हुई एक तो कुफार का आदमी मारा गया उस दस्ते से जो नखला भेजा गया था इत्तेफाकन मुठभीड़ हो गई अल्लाह को जो कराना होता है करवा लेता गुफार का आदमी मारा गया मुसलमानों के हाथों काफला लूट लिया उन्होंने और वो मारे गलीबत लेकर पहुंच गए दूसरे उधर जो काफला गया हुआ था शाम की तरफ अबू सुफियान की सरकर्दगी में उनकी एस ओ एस कॉल आ गई कि मेरे आदमियों को खतरा है मेरे काफले को मोहम्मद के आदमियों से व रज़ी अल्लाह मजमायन को कुमक भेजो बस ये था कि जिससे वो हॉक्स का पड़ा भारी हो गया जो है वो मजबूर हो गए लिहाजा एक हजार का लश्कर निकल आया यहां से वो फाइनल फेज शुरू हो गया और मैं आपसे एक बात और अर्ज कर ये तारीखी हकीकतें पढ़ लीजिए एन एक रात पहले बद्र से खबर आई कि अबू सफिया काफिला लेके निकल गए बहुत होशियार आदमी थे एक तरफ उन्होंने वो कुमक के लिए खत भेजा पैगाम पर भेजा दूसरी तरफ रास्ता भी बदल दिया खुद बजाय उस बदर के पास से होके गुजरने के वो बोहरा अहबर के शाही के साथ 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 होके निकल गए इतला पहुंची यहां लश्कर है अब आते हैं वही हकीम इबन हिजाम किसके पास उतमा के पास डफ्ज है ना ये कि देखो उतमा तुम्हारी बड़ी हैसियत है सिप सालार की हैसियत है तुम्हारी और इस वक्त खूनेजी को तुम रोक सकते हो हम आए थे अपने काफले की हिफाजत के लिए काफला हमारा बच के निकल गया अब रह गया हजरबी का खून वो तुम्हारा हलीफ था तुम उसका खून वहां अपनी जेब से दे दो मामला खत्म हो जाएगा कि नहीं तो इस खूनजी को अब भी रोका जा सकता है ने कहा बिल्कुल ठीक सही दोनों चलकर गए अबू जहल के पास वो अपने तीर फैलाकर दुरुस्त कर रहा था उस वक्त जाकर उससे बात की उसके लिए तो ये मौका था मैं कह रहा हॉक्स का सरदार था उसे यकीन था कि हम खत्म कर देंगे कल मोहम्मद को और उसके आदमियों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए उसने कहा था ये यौमुल फुरकान होगा पता चल जाएगा अल्लाह किसके साथ है यकीन था ना जीतेंगे हम तीन सौ तेरह है तलवारें भी चंद हैं उनके पास चंद दो घोड़ों का रिसाला हमारे पास सौ घोड़ों का रिसाला रिसाला फैसला कौन होता है हंड्रेड हॉर्सेस उधर दो कोई तो मुकाबला है उसे यकीन था कि जीतेंगे लिहाजा उसने पहले से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया यौम फुरकान होगा ये पता चल जाएगा अल्लाह किसके साथ है कौन हक पर है कौन बातिल पर है ये दूसरी बात है अल्लाह ने वाकई उसे यौम फुरकान बना दिया लेकिन उसके पास जब आके इन्होंने कहा उसने ऐसा ताना मारा है उतबा रबिया का बड़ा बेटा के बड़े बेटे हजरत हुजैफा अबू हुजैफा ये ईमान ला चुके थे ये हुजूर के साथ थे अबू जहल ने ताना मारा मालूम होता है उतबा बेटे को सामने देखकर तुम पर बुजदली आ गई नंबर एक और नंबर दो बुलाया उस हजरमी के भाई को जो मारा गया था मुसलमानों के हाथों देखो ये तुम्हारे भाई के खून का बदला सामने आकर भी बचकर जा रहा है ये लोग वापस जाना चाह रहे हैं और ये भी मालूम होना चाहिए लोग वापस चले गए थे वहां से कुरैश के लश्कर से इसी पुल पर चूंकि हम आए थे इसलिए वो मामला खत्म हो चुका हम लड़ने को तैयार कुरैश का के दो दो घराने बन है जो निकल गए थे वापस बहरहाल उतबा ये अरब की अब नफसियात है जब उसे ताना लगा है उसने कहा कि कल वक्त बताएगा कि कौन बुजदिल है और कौन बहादुर है यही वजह है कि अगले दिन फिर सबसे पहले मैदान में कौन आया उतबा उसे वो अपने माथे का दाग धोना था बुजदिली के ताने का उतबा आया अपने भाई को लेकर शहबा बेटे को वलीद बड़े बेटे सामने थे अबू हद और आपको मालूम है कि फिर मुबारजत हुई हजरत हमजा के हाथों उतबा हजरत अली के हाथों बाकी दोनों शैबा भी और वलीद भी ख़त्म हुए हाँ हजरत उबैद इब हारिस रजी अल्लाह तुम वो जख्मी हो गए बहरहाल मैं जो बताना है वो क्या है ये था इकदाम इकदाम के नतीजे में आर्म कॉन्फ्लिक्टे आम कॉन्फ्लिक्ट मुसल्ला तसादम रहा छः बरस अप्स एंड डाउन एंड डाउंस अप्स में सबसे पहले बद्र सत्तर कर्शी मारे गए और मुसलमान तेरा शहीद हुए मैदान में ऑन द स्पॉट चौदह वो उबैदा इबन हारिस जो जख्मी हो गए थे उनका इंतकाल हो गया मदीने वापसी में लेकिन अगले साल क्या हुआ ओहद ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि डिसिप्लिन की अहमियत का अंदाजा हो जाए सत्तर साहबा शहीद हुजूर, जख्मी नंदाने मुबारक शहीद चेहरा मुबारक लोहान एक बहुत बड़ी जख मुसलमानों को उठानी पड़ी किस वजह से सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया, फरमायादा का वादह है मुसलमानों तुम हमें ब्लेम नहीं कर सकते अल्लाह ने तो अपना वादा तुमसे पूरा कर दिया था इसम बेसनी तुम अपने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे जंग शुरू हुई और फतह हो गई भगदड़ मच गई तीन हजार का लश्कर भगदड़ अब वो गलती हुई वो घाटी पर पचास तीरंदाज। हुजूर ने फरमाया था कि तुम्हें यहां से हरगिज नहीं टलना हजरत जुबैर की सरकर्दगी में चाहे तुम ये देखो कि हम सब शहीद हो गए और हमारी बोटियां नोच नोच कर परिंदे खा रहे हैं तब भी यहां से बतिल लेकिन जब फतह हो गई गलती हुई इनडिसिप्लिन हुजूर के हुक्म के बारे में तो मेरी अपनी तहकीक यह है कि तावील की है उन्होंने गलती इस मानी में नहीं थी कि हुजूर के हुक्म को जानबूझ कर तोड़ा इसलिए कि हुजूर के, के अल्फाज थे फर, शिकस्त की कैफियत वाले यहां हो गई थी फतेह तो साहब कराम ये जान लीजिए इसलिए मुनाफिक वहां अब कोई नहीं था मुनाफिक जा चुके थे ओहद से पहले अब्दुल्ला अब उबई के साथ यहां कोई मुनाफिक नहीं था सब मोमिन थे लिहाजा जानबूझ कर हजूर के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती थी तावील क्या हुई कि हुजूर ने शिकस्त के बारे में फरमाया था ना यहां तो फतःह हो गई लिहाजा हुक्म अप्लाई नहीं कर रहा अलबत्ता खिलाफ वर्जी हुई कमांडर भी अगर यह कह देता कि हां ठीक है तो बात और थी वहां जो कमांडर है उसने इजाजत नहीं दी वो पुकारते रह गए कि देखो कहां जा रहे हो मत जाओ तो ऑन स्पॉट जो भी डिसिप्लिन का तकादा क्या है जो आपका इमिजिएट जो आपका ऑफिसर है उसका हुक्म मानना पड़ेगा कि नहीं हजूर ने फरमाया मना तानी

Quran कहता है तनाजा तुम फिर आश तुम तुमने नाफरमानी की तुम ढीले पड़े तुमने डिसिप्लिन को तोड़ा उसकी है जो हमने दी आप अंदाजा कर रहे हैं सहाबा की गलती अगर थी और उसकी सजा सत्तर कर की शहादत है ताकि पता चल जाए कि डिसिप्लिन किस शय का नाम है ताकि तुम्हें अपनी खामियों का अभी अंदाजा हो जाए तुम्हें मालूम हो कि यह मसला कितना अहम है अल्लाह कंडोन कर सकता था उनकी गलती को माफ कर सकता था कोई गजन ना पहुंचता हुजूर को सहाबा को एक गलती इन गुड फेथ की गई थी लेकिन सबक कैसे हासिल होता कि की अहमियत क्या है साल में वो छठा फेज खत्म हुआ सन दस सन आठ हिजरी में रमजान मुबारक और फिर शव्वाल में यानी रमजान में मक्का फतह हुआ शव्वाल में हुनैन का मार्का हो गया ताइफ का मुहासरा हुआ बहरहाल उसके बाद पूरे अरब में कोई ताकत नहीं थी जाल हकबात उसके बाद आपने अब अरब फिर जंग मोता हुई सफर तबूक यह क्या है यह सल्तनत रोमा से टकराव हो यह है इनकलाब मोहम्मदी की अब अबी सतह पर तोसी जिसका आगाज कर दिया मोहम्मद ने बनफ़ नफीस जिसको कैरी ऑन किया फिर राशिदीन ने अबू बकर ने, उमर ने रजी ती हजरत अली का नाम मैंने यहाँ क्यों नहीं लिया हजरत अली के खलीफा बनने से पहले ही वो यहूदी साजिश सामने आ गई जिसके नतीजे में हजरत ऊस्मान शहीद हुए जिसके नतीजे में हजरत अली का पूरा दौरे खिलाफत बाना जंगी की नज़र हुई उसमें उनका कोई कसूर नहीं माज माज अल्लाह साजिश ही इतनी भरपूर थी इतनी कामयाब थी यहूदी जहन उसकी जहानत का शाहकार कि वो सैलाब जो बढ़ रहा था उस शान के साथ के न था किसी से सैले रवा हमारा उस सैलाब को इंटरनल सेबोटाज के जरिए से उसकी कवत करो बहरहाल ये है मेरा मताना ये है इनकलाब मोहम्मदी का तरीक़ार ये है एक दीन का तरीक अब देखिए इसमें हालात के मुताबिक इजतहाद के बाद मराहल आएंगे दावत के निजाम में कोई तब्दीली नहीं होगी या इतािप्लिन में मैज कर चुका हूं कि बैठ होगी कोई अमीर कोई अब नबी नहीं रसूल नहीं बैत होगी लेकिन बैत एस मातफिल मारूफ मुतलक नहीं होगी अनलिमिटेड नहीं होगी तरबियत का भी वही निजाम लेना पड़ेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। उसके बाद जब तक के इतनी ताकत ना हो जाए कि एक डिसिप्लिन फोर्स एक मुनासिब कुत मार की हद तक तरबियत याफ्ता लोगों की मौजूद ना हो सिर्फ तीन काम करने हैं दावत तंजीम तरबियत और उस वक्त तक जब तक कि वो मुनासिब तादाद में कुवत वजूद में ना आए कोई जवाबी कार्रवाई नहीं सबर महज अदम तशद पैसिव रेजिस्टेंस झेलो और बर्दाश्त हो एक बात अब आती है मुसलमान मामालिक में और यह सारी बात मैं कर रहा हूं पाकिस्तान के हवाले से मैं यहां भी अगर आता हूं नोट कर लीजिए और अमरीका भी अगर जाता हूं तो मुझे हजरत मसीह के अल्फाज याद आए हैं उनके ये अल्फाज उनकी तरफ मंसूब अल्फाज मौजूद हैं कि मैं सिर्फ इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूं मेरा पाकिस्तान से बाहर का सफर होता है पाकिस्तान की खोई हुई भेड़ों की तलाश वो अमेरिका में भी है यहां भी है। घर में वो जिम्मेदारियां जो है वतन की सरजमीन पुकार रही है आप यहां ऐश और आराम में है पैसे जमा करने के चक्कर में यह याद दिलाने के लिए आया वो कश्ती डोल रही है दीन वहां न आया तो वो मुल्क हरगिज बाकी नहीं रहे इम्कान ही नहीं इसका और आसार बहुत खराब है दिन कैसे आ जाएगा घर बैठे आ जाएगा इंतखाब के जरिए आ जाएगा बहुत बड़ा मुगालता है मुझसे सवाल किया गया था आज जवाब दे रहा हूं जमात इस्लामी से मैं सिर्फ इस बुनियाद पर अलग हूं इनकलाबी जमात के बजाय सियासी जमात का रोल इश्ते कर लिया था इंतखाब के अमल के नतीजे में सिर्फ ये हो सकता है कि जो निजाम मुल्क में कायम है उसके लिए बेहतर हाथ अगर फराहम किए जा सकते हो तो कर दिए जाए निजाम नहीं बदला जा सकता इसलिए कि जो भी पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है उसी के मुताबिक वोट मिलेंगे वोट मिलेंगे सरमादार को वोट मिलेंगे जागीरदार को और जमींदार को और आपका क्या ख्याल है कि वो वोट लेकर पार्लियामेंट में आकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारेगा निजाम में कोई बुनियादी तब्दीली करेगा वो कभी नहीं करेगा और अगर कोई दो चार छ आठ दस आ भी गए कहीं शहरों के अंदर हो सकता है कि आ जाए उनकी हैसियत को है नहीं वो निजाम वही है हमारे यहां इलेक्शन जब भी हुए वही लोग आए चचा नहीं तो भकीजा एक भाई दे तो दूसरा भाई या वही असाश उनके नाम पर सिर्फ लेबल बदलते रहे कभी उसके ऊपर रिपब्लिकन पार्टी लिखा हुआ कभी वो कन्वेंशन लीग है, कभी पीपल्स पार्टी है कभी वो शूरा शरीफ थी और कभी अब वो इलेक्शन लड़के आ गए बेसिक स्ट्रक्चर वही है कैसे बदल जाएगा और बेसिक स्ट्रक्चर को इसके जरिए आप नहीं बदल सकते बहुत बड़े मुगालते में लेकिन यह कि जो लोग समझते हैं नियति से वो लगे रहे ठीक है अल्लाह के हाँ खुलूस का अजर मिलेगा लाजमन मिलेगा लेकिन मुझे यह बात आज नहीं सन सत्तावन नहीं सन छप्पन में नजर आ गई थी कि यह रास्ता जो है इससे कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आ सकती वक्त का सलाहियतों का कुवतों का जिया है यह वजह है कि वहां से अलहदगी हुई थी सिवाय इस इनकलाबी अमल के कोई और रास्ता नहीं सिर्फ इसमें फर्क अब क्या आएगा पैसे रजिस्टेंस भी रहेगी लेकिन क्या मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाई जाएगी यह है मसला बड़ा क्रूशल बहुत अहम मुसलमान मुल्कों में तो हुकूमत मुसलमानों की है वो तो किसी ने भुट्टो को भी काफिर नहीं कहा मुसलमान होगा फासी को फाजिर होगा मुसलमान होगा मुत्तकी होगा नमाजी होगा मुसलमान होगा इसका जवाब है असल में जो मैं देकर अपनी बात खत्म कर दूंगा अव्वल तो यह कि इमाम अबू हनीफा के नजदीक किसी फासी को फाजिर मुसलमान हुक्मरान के खिलाफ भी तलवार उठाई जा सकती अगरचे उसकी शराइ बहुत सख्त है बहुत सख्त है बहुत सख्त नंबर दो ये कि इस दौर में वैसे भी इसलिए मुश्किल कि हुकूमत के पास बहुत असलाह और अवाम नहते हो गए लेकिन इसका एक बदल है कि जो म्दुर के इर्तका ने हमें फराहम किया है वो बदल क्या है डिमोस्ट्रेशन मुजाहरा डिमॉन्स्ट्रेशन किस चीज का होता ऑफ योर विल ऑफ योर स्ट्रेंथ ऑफ योर डिसिप्लिन ये जाहिर किया जाए साबित किया जाए कि इस मुल्क में एक ताकत है मुनजम डेडिकेटेड जो अपनी जान देने के लिए तैयार है ऐसे लोगों की जिन्हें कुछ नहीं चाहिए सिवाय इस्लाम के उन्हें हुकूमत नहीं चाहिए उन्हें सिर्फ इस्लाम चाहिए इसकी क्या शर्तें हैं नंबर एक, इंतहाई पीसफुल डेमोस्ट्रेशन यह नहीं कि जुलूस हमने निकाला तोड़ फोड़ कोई और कर गया यह गलत जब तक आपकी तंजीम इसकाबिल नहीं है आपको हक नहीं है क्या आप मैदान में आए जब आपकी तंजीम ऐसी है तब आप इस काम को कीजिए इससे पहले नहीं नंबर दो ये कि इसका उनवान भी कुर्बान जाइए मोहम्मद पर फिदा ना इसको भी अलैहि सल्लम बता कर गए इसका उनवान क्या होगा डेमोंस्ट्रेशन किस लिए दो हदीसें सुनिए दोनों मुस्लिम शरीफ की हैं एक के रावी अबू अल खुदरी दूसरे के अब्दुल्लाजी एक बहुत मशहूर है एक उतनी मशहूर नहीं बहुत मशहूर क्या है मुनकरन फलुगर हो बेही फैलम ये सतहफ है ही फैलम यबे कलबे ही वजालफुल ईमान जो कोई तुम में से किसी बदी को बुराई को देखे उसका फर्ज है कि उसे ताकत से अपने हाथ से बदले खत्म करे अगर इसकी इस्तात ना रखता हो तो जबान से इसकी भी इस्तात ना रखता हो तो दिल से यानी नफरत शरीद महसूस करे दिल में घुटन महसूस करे कि ये क्या हो रहा फरमाया जाल एक आजफुल ईमान ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है जो शसम उनकर देखे उसे घुटन भी ना हो रंजी ना हो वो तो समझ लिया गया डाउन दिन ईमान की कोई रमक मौजूद नहीं फरमान हजूर का है अजाफ ईमान सबसे कमजोर ईमान ये है कि दिल में शदीद नफरत का एहसास हो इससे ज्यादा क्या है जबान से कहो कि खुदा के बंदो बाज आ जाओ अल्लाह के गजब को दावत मत दो ये तो कहो कम से कम और अगर इससे आगे की ताकत नहीं है तो ताकत हासिल करो वो ताकत हासिल करके फिर आओ मैदान में और ललकारों के नहीं होने देंगे ये हमारी लाशों पर होगा ये है तरीका जो मोहम्मद ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस सुनिए अल्लाहु मिन नबी इन कबली थी उम्मते ही इलाका यू न يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و و ये बहुत अहमदी से और बहुत क्लियर है अफसोस ये कि ये इतनी आम नहीं है वैसे है मुस्लिम शरीफ की रिवायत दोनों रिवायत के एतबार से हम पल्ला रहा फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझसे पहले जिस उम्मत में भी किसी नबी को भेजा उठाया उसमें उसके असहाब और हवारी पैदा की वो असहाब और हवारी क्या करते थे असहाब हुजूर के हवारी हजरत ईशा के दोनों अल्फाज जमा कर दिया आपने वो क्या करते थे वो अपने नबी अपने रसूल की सुन्नत को मजबूती से थामते थे और जो हुक्म वो देते थे उसकी तामीर करते थे लेकिन उसके बाद फिर ऐसे नाखलफ लोग आ जाते थे वो क्या करते थे यह फलू बाला यू मरून करते वो थे जिसका हुक्म नहीं हुआ वो बाला यह यलून और कहते वो थे जो करते नहीं थे अब आपने फरमाया जो कोई ऐसे लोगों से जिहाद करेगा हाथ से वो मोमिन है जो जिहाद करेगा जबान से वो मोमिन है जो जिहाद करेगा दिल से वो मोमिन है और इसके बाद तो ईमान राय के दाने के बराबर भी मौजूद नहीं यह है जिहाद के तीन दर्जे और जिहाद किन से हो रहा है यहां नोट किया आपने चाहे नाखलफ है है कि कौन उम्मती है रसूल के नाम नाखलफ उम्मती है इन्हीं को कहा जाएगा फासीको फाजिर उनके खिलाफ जिहाद किया जाएगा यद बिल निशान बिल यद जो है वो जरूरी नहीं कि तलवार से हो मिलियत की यह शकल है जो आज दुनिया ने दी है कि डेमोन्स्ट्रेशन है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ है, योर विल एंड योर पावर एंड योर स्ट्रेंथ। मैं उसकी एक मिसाल दिया करता हूं मेरे कैसेट में भी मौजूद है ये तकरीबन पौने तीन साल पहले की बात है मार्च का महीना था सन तिरासी का मैं आ रहा था उम्र के लिए लाहौर की एक गर्ल्स कॉलेज की एक खातून प्रिंसिपल का मुझे फोन आया तो उस जमाने में आपको याद होगा कंट्रोवर्सी बहुत चल रही थी पर्दे वर्दे पर मेरा मामला जो था बड़ा गर्म था अखबार उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब आप और सब बातें करते हैं ये आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि ये तेईस मार्च को जो परेड होती है और चौदह अगस्त को जो परेड होती है इसमें जवान लड़कियां भी परेड करती मैंने वाकई चौंका मैं और तो मलामत की मैंने अपने आप को कि क्यों इधर कभी तवज्जो नहीं गई इतना बड़ा मुल्क मुसलमानों का मुल्क मुसलमान बच्चियां मोहम्मद वसल्लम की बेटियां हुजूर उम्मत के लिए बाप के दर्जे में है कि नहीं वो जवान बच्चियां सीना तान कर परेड कर रही हूं और खड़े हुए कौन देखते हैं वो मुसलमान क्या इसे कोई कोई मुसलमान होगा जो कहे ये जायज है कोई बरेलवी कोई देवबंदी कोई अहले हदीस कोई हनफी कोई मालिकी कोई शाफी कोई सुन्नी कोई शिया कोई कहते के जायज एक ऐसा मुद्दा काला कर और हो रहा है डंके की चोट हो रहा है मैंने अपने दिल को ये तसल्ली दी कि भाई हमने तो परेड कभी देखी नहीं लेकिन वो जमीर नाम की एक शह है ना उसने फौरन टोक दिया परेड नहीं देखी अखबार में फोटो तो देखे बहरहाल मैंने जुमे में तकरीर की नहीं अनिल मुनकर बिल्लिस नहीं कर सकते थे मैंने कहा खुदा के लिए बाज आ जाओ अल्लाह की गजब को दावत न दो हमारी भी तो नहीं गई लेकिन आज मैं कह रहा हूं जिन लोगों के इल्म में है मेरे यहां जुमे की नमाज में काफी बड़ा मजमा होता है सिविल ऑफिसर्स भी होते हैं मिलिट्री ऑफिसर्स भी होते हैं। मैंने कहा जिसकी भी रसाई हो सदर जिया साहब तक वो इसे अपना फर्ज समझे कि ये बात पहुंचाए ये खुदा के लिए इसको बंद करो हम यह नहीं कहते कि आप लड़कियों को, को ट्रेनिंग न दे हमारे यहां गर्ल्स कॉलेजेस पर बाल के साथ होते हैं उनके अंदर आप ट्रेनिंग दें हमें कोई इतराज नहीं हमारी बच्चियां राइफल चलाना जाने अच्छा है क्या पता कौन सा वक्त आ जाए? फिर परेड करानी जरूर कराए लेकिन कजाफी स्टेडियम में करवा लें और वहां उनकी माए उनकी बहनें आए देखे हमें कोई इतराज नहीं लेकिन जवान लड़कियां बूढ़ी औरतें तो नहीं होती जो परेड करती हैं जवान लड़कियां और वो झुककर तो नहीं चलती सीधा के चलती हैं परेड है ये ये बहुत बड़ा मुनकर है बाजा जब मैं आगे तकरीर करके उम्र के लिए वापस गया तो वो तेईस मार्च ही थी नहीं बल्कि चौबीस की सुबह को मैं पहुंचाऊं कराची तो तेईस मार्च की छुट्टी की वजह से सुबह के अखबार तो नहीं छपे थे शाम का मुझे इवनिंगर मिला है जब मैं कराची से लाहौर जा रहा था हवाई जहाज में और गालिबन स्टार जो इवनिंगर है कराची का उसकी बैनर हेडलाइन ये थी ऊपर मोटी वीमेंस परेड टुक प्लेस डिस्पाइट दी लेटर ऑफ मियां तुफ़ैल उस खत से मुझे मालूम हुआ कि मियां साहब ने भी खत लिखा सदर साहब को अंदाजा यह हुआ कि या तो मियां साहब को भी उसी खातून ने कहीं फोन किया या उन्हें मेरी तकरीर की रिपोर्ट पहुंची दो ही शक नहीं हो सकती इससे पहले उन्हें भी कभी तवज्जो नहीं हुई लेकिन यह कि मियाँ साहब का आप अंदाजा कीजिए इतनी पड़ी, बड़ी दीनी जमात के सरबरा, पचास साल की तारीख लिए हुए जमात इस्लामी अपनी पुस्त पर कोई आज की जमात तो नहीं कम से कम पैंतालीस बरस तो उस जमात को कायम हुए हुए हो गए और मौदूदी साहब ने जो काम शुरू किया था वो सो छत्तीस सैंतीस में शुरू कर दिया था वो तहरीर जिन पर जमात कायम हुई वो जमात है उसके पास कारकुन है सब मानते हैं कि वाहिद मुनजम जमात छोटी है लेकिन है मुनजम उसका अमीर खत लिख रहा है फिर यह कि वो एम का आदमी नहीं है क्या आप ये समझे कि यह हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट है दुश्मन है बल्कि किसी ने गलत कहा या सही कहा उन्हें तो बी टीम कहा गया मार्शल्ला की मैं इससे बहस नहीं करता कि सही है गलत इसको छोड़ दीजिए लेकिन बहरहाल ये एहसान है जमात का सदर जिया साहब के गर्दन पर कि जमात मैदान में नहीं आई एजुकेशन में उसके खिलाफ वरना यह कि शायद लेने के देने पड़ गए होते लेकिन उस शख्स के भी खत का यह हशर हुआ है कि बगले बजा रहे हैं वो लोग हमारे मुल्क में जो बेहयाई के अलंबरदार हैं जो इबाहियत के अलंबरदार हैं, जो हर मामले में औरत और मर्द को शाना बशाना देखना चाहते हैं, उन्होंने बगले बजाई कि खत लिख के देख लिया अमिया साहब क्या हुआ बस इस वाक्य को समझ लीजिए अगर वो जमात मौजूद हो जो मैंने जिसको कहा इंकलाबी जमात और वह मुनासिब तादाद में हो मुनजम हो सर पे कफन बांधे हुए हो तो ये जमात सिर्फ नहीं अनिल मुनकर बिलिसान नहीं करेगी चैलेंज करेगी कि ये हम नहीं होने देंगे हमारे जीते जी नहीं होगा हमारी हैरत दीनी गवार नहीं करती उसके दो ही नतीजे हो सकते हैं एक बड़ा खुश आइंद है खुदा करे कि वो निकले कि हुकूमत पसपाई इख्तियार कर ले ठीक है भाई कोई फर्ज तो नहीं है हम बंद कर देते हैं परेड अगर यह कर दे तो फबेहा एक मुनकर के बाद दूसरा मुनकर दूसरे के बाद तीसरा मुनकर हमारी लड़ाई मुनकरात से अशास से नहीं है मुनकर खत्म हो जाए हमारा झगड़ा खत्म बैठे रहो हुकूमत करो जो चाहो करो हमें दीन चाहिए इकतदार नहीं चाहिए इकतदार की ख्वाहिश हमारे दीन में गुनाह लेकिन होता नहीं ये होता क्या है कि हुकूमत इसे बनाती है प्रेस्टीज इशू अपनी अना का मसला वो जेलें भरेगी लाठियां बरसाएगी वक्त आया तो वो फायरिंग करेगी यहां अब होगा तरबियत हो गई थी या नहीं वाकई शहादत के तालिब थे या झूठ मूट के ये सारे दावे थे अगर साबित कदम रहेंगे तो यही डेमांसट्रेशन है जो उस निजाम को तलपट करके रखे। कम से कम इस बात की मैं पूरे के पूरे जो इलेक्शन का जो जो भी रेवोल्यूशन का प्रोसेस ईरान में हुआ है उसकी तयद नहीं कर रहा वो एक अलहदा इशू है उसमें मेरी तकरीरें हैं छप चुकी हैं आई व्यूज लेकिन इस बात की मिसाल तो मौजूद है कि ईरान में लोगों ने बगावत नहीं की हथियार नहीं उठाए अपनी जाने दी है सड़कों पर आए हैं फायरिंग हुई है सुना है कि एक दिन पंद्रह हजार भी लाशें तड़पी हैं और वही दिन था जिस दिन वो शहनशाह आरिया मेहर जो देख रहा था खाब कह खुसरो की हुकूमत को दोबारा कायम करने का ख्वाब जिसके पास के एशिया का सबसे बड़ा असला खाना था उसको छोड़ दीजिए उसके बाद सबसे बड़ा सलाह हाँ खाना जो जमा किया था जो अब तक काम दे रहा है लेकिन उसका हाल क्या हुआ वही के जो बहादुर शाह जफर ने कहा था कि कितना है नसीब जफर दफन के लिए दो गज अभी भी मिल ना सकी कुए यार और उसके सबसे बड़े गुरु उनका हाल क्या हुआ जो सरपरस्त थे जिनका वो एजेंट था उसने अपने मुल्क में आने नहीं दिया बड़ी मुश्किल से माने तो सीधे अस्पताल जाओ और अस्पताल से वापस चले जाओ किसी रेड कारपेट वेलकम की तो रखो ये किसका आशर हुआ है यह है असल में इनकताबी अमल मैं इस पर कई साल से गुफ्तु कर रहा हूं और मैं आपको बता देता हूं कि आज तक मेरी इस बात पर कोई तनकीद नहीं हो सकी ये रास्ता है और खालिश जो कुछ कह रहा हूं दिन के हवाले से क्या सीरत नबी के हवाले से कह रहा हूं आखिरी इकदाम के लिए भी दो हदीसे पेश की किए इस रास्ते से हटकर महज सियासी हथकंडों से इलेक्शन के जरिए से वो दूसरा एजुटेशन तोड़ फोड़ वाला एजुटेशन उसके जरिए से अगर कोई शख्स समझता है कि इस्लाम आ सकता है तो मेरे नज़दीक बहुत बड़े मबाले इकामत दीन का वाहिद तरीक़ेकार ये है जिसमें हमारे लिए असल रहनुमा उस्वा है मोहम्मद उसमें सहादी जो पहलू है वो मैंने आपके सामने बयान कर दिए कि यह है उसमें जो इस दौर के अंदर ख़ास तौर पर इसलिए कि मुसलमानों से मामला है कैसे भी हो फास फादरों मुसलमान है ये तरीक़ेकार है जो इख्तियार करना होगा हज़रा अब मैं सिर्फ आपको यह बता दू जैसा कि मैंने अर्ज किया मैं यहां भी आया हूं तो कुछ खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूं न पेशावर वाइस नहीं मैं पेशावर मुदरस नहीं पेशे ही की बात थी तो अल्लाह ने मुझे वो पेशा दिया था जिससे सारी दुनिया ये समझती है कि बड़ा आला पेशा है, है या नहीं इसको छोड़ दीजिए कहते यही है नोबल प्रोफेशन उसमें बहरहाल न हो करोड़ों की आमदनी बाइज्जत रोजी उसमें इंसान को मिलती है मैंने उसको छोड़ा है मैंने अर्ज किया था पहले दिन मेरे फिक्र पर बिल्कुल बचपन में जबकि मैं पांचवी जमात में पढ़ रहा था लामा इकबाल के अशार ने एक असब कायम किया है थोड़ा सा उसमें मजीद रंग हफीज जानदरी के शाहना मेने किया है। लेकिन उसमें फिर खाका तफसी मौलाना मौदूदी की तहरीरों ने अवलन और मौलाना अबुल कलाम आजाद की तहरीरों ने और मौलाना इस्लाही साहब की तहरीरों ने सानियन मैं जब उन्नीस बरस का या बीस बरस का था तो मेरे सामने ये बात वाज हो चुकी थी कि एक मुसलमान की जिंदगी में उसके दीनी फराइज के ये तीन दी तीन पहलू हैं इबादत रब खुद अल्लाह का बंदा बने शहादत अलनास लोगों पर हुद्दत कायम करे दावत व तबलीग के जरिए और इकामत दीन दीन की सरबुलंदी के लिए सरधड़ की बाजी लगा दी और उसके लिए लाजिम है इल्तिज़ामे जमात ये काम जमात के बगैर नहीं हो सकता इसी तसव्वुर के तहत मैं जमात में शामिल हुआ था लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि जमात इस्लामी का वो इनकलाबी लिटरेचर वो आज भी मौजूद है बदकिस्मती से सन सैतालीस में नेक नियति के साथ एक गलती की गई है और उस गलती ने इसको दलदल में फंसा दिया ये इलेक्शन की उस वादी के अंदर वो फंस चुकी है इनकलाबी अंदाज इसने इख्तियार नहीं किया ये वो बात थी कि जो सन पचपन में बाजे हुई सन छप्पन में मैंने सवा दो सफे के एक बयान में 24 बरस की उम्र में उसे लिख दिया और सन सत्तावन में आल पाकिस्तान एक हमारा हुआ था इजलास उसमें उसको पेश करने की कोशिश की लेकिन अल्लाह फरमाए मौलाना मौदूद ही उस वक्त तक बहुत उम्मीद थे कि इलेक्शन के, के रास्ते से हम इनकलाब आएंगे और जैसी वो जो है जाहिर बात है उसमें मौलाना की राय के मुकाबले में खासतौर तो पर मेरी मेरी तो उम्र उनके बेटों के बराबर थी जब मासीकोट में मैं खड़ा हुआ था उनके सामने मेरी उम्र अभी पच्चीस बरस की नहीं थी लिहाजा मेरी बात नहीं सुनी गई उसके बाद कुछ और इकदाम भी ऐसे थे मौलाना के कि उससे बददील होकर फिर हम लोग अलहता हुए इस्लाही साहब और बड़े बड़े लोग ख्याल ये था कि ये लोग मिलकर जमात बनाएंगे लिहाजा उनके आस पास रहा मेरी उम्र तो कुल पच्चीस बरस थी लेकिन यह कि इन हजरात ने भी कोई जमाती शक्ल में इकामत दीन की अमली जिदोजोद का आगाज नहीं किया सन पैसठ में फिर मैंने तय किया है कि अब अगर कोई और नहीं करता तो हर एक को अपनी कबर में जाना है, हर एक को अपनी जवाबदेही अल्लाह के हुजूर में करनी है। मैं ये नहीं कह सकता कि इन्होंने नहीं किया इसलिए मैंने नहीं किया अगर मुझ पर मुनकशिफ हो चुका है कि यह फर्ज है तो उसकी जवाबदेही के लिए मुझे सोचना हो फिर मैं दोबारा लाहौर गया हूं फिर मैंने वो कुरने मजीद के हल्के कायम किए हैं ताकि ये इनकलाबी दावत अब ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कुरान के हवाले से आए तो लोग जागे फिर हम ख्याल पैदा हुए तो अंजुमन खुद नाम कायम है वो अंजुमन है वो जमात नहीं है पार्टी नहीं है उसका मकसद सिर्फ ये है कि कुरान मजीद की इस दावत को आम किया जाए उसमें जो भी मेरे साथ शरीक हुए अंजुमन बनी अब वो इशात उसमें दौरे उसमें हमारी कॉन्फ्रेंसें मुख्तलिफ शहरों में जाकर हमारे कुरानी कैंप्स ये सब अंजुमन के तहत हुए ताकि ये कुरान की दावत को वसी पैमाने पर और एक कुरान अकेडमी कायम की कि इसी दावत को पेश करने के लिए आला आलमी सतह पर भी और जिस तरह मैं कर रहा हूं उस तरह भी नौजवानों की ये खेप एक खेप तैयार हुआ है इसलिए कि एक चना बाड़ को नहीं फोड़ सकता और जाहिर बात है कि एक शख्स आज है कल नहीं होगा तैयार हो जानी चाहिए एक टीम के जो इस फिक्र को लेकर फैल जाए हमारे में अलहमदुल्ला वो अंजुमन सन बहत्तर में कायम हुई अब ये पिचासी है तेरह बरस हो चुके बल्कि चौदह हो जाएंगे अब इसमें अल्लाह के फजल से कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ कोई हंगामा नहीं हुआ हमने अकेडमी भी बनाई अब कोई चार साल से उसमें अवलन भी नौजवानों की तदरीस का काम शुरू हो चुका है सारी इशात वगैरह का काम उससे मेरा एक पैसे का ताल्लुक नहीं ना पब्लिकेशन से ना टेप से सारा निज़ाम हो रहा है रजिस्टर्ड बॉडी है और उसके अकाउंट्स जो है वो हम इंटरनली ऑडिट भी करवाते हैं और वो हुकूमत के ऑडिटर्स जो है वो भी उसको ऑडिट करते हैं मैंने एक अजीब सुझा दी थी एक अजीब काम किया कि अकाउंट दो रखे एक कलेक्शन अकाउंट वो मेरे अंगूठे तले होता है लेकिन उससे एक पैसा भी बराहरास खर्च नहीं हो सकता एक एक्सपेंडिचर अकाउंट मैं सिर्फ वहां से उधर मुंतकिल कर सकता हूं पैसा और वहां जो पैसा है वो दो अफराद अंजुमन का नाजिम आला और अंजुमन का नाजिम माल वो उनके दस्तखतों से तो मैं ये कह सकता हूं कि इन चौदह वर्षों में मैंने अंजुमन का एक पैसा भी खर्च नहीं किया अगरचे अथॉरिटी मेरी है मैं बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये कि उस पैसे को मेरा हाथ नहीं लगता बैंक में आ गया पैसा मैं सिर्फ चेक लिखता हूं उस बैंक से कि इस महीने अब इतने पैसे की जरूरत है इधर निकाल दो उसके बाद उसका खर्च जो है उसके लिए बैंक से पैसा निकालने के लिए नाजी में आला अंजुमन का और नाजी में बैतुल उनके से निकलता बहरहाल मैंने इसलिए बताया है कि अव्वल तो मेरी ख्वाहिश है और वैसे भी होना ही है अब आप लोग वापसी घरों को आए खैर से बुद्धू घर को लौटे और उस घर में आकर असल काम करें मैं यहां पे नहीं कि यहां के लोगों को कुछ कहने नहीं आया हूं यहाँ के लोग अपना हिसाब जाने अपना मामला जाने ये पाकिस्तान सेंटर है यहां बेसिकली मैं पाकिस्तानियों से मुखातिबू हिंदुस्तान के मुसलमान अपने हालात में है हमें तो सदमा होता है इस एहसास से वाक्य ये है मैंने कई बार यह पाकिस्तान में अपनी तकरीरों में कहा है कि हम जो गुल छर्रे उड़ा रहे हैं पाकिस्तान में वो हिंदुस्तानी मुसलमान की कॉस्ट पर उड़ा रहे हैं उनकी कीमत है दरअसल और जब भी कभी हिंदुस्तान में कोई फसाद होता है और मुसलमान का खून बहता है मेरी कम से कम कैफियत यह हो जाती है कि खाना खाता हूं तो हजरत मसीह के एक अल्फाज है लाश सपर के वो आखिरी जो खाना साथ अपने हवारी के खाया है पता नहीं वो किस मानी में आपने एक तश्वीर इख्तियार की है क्या था कि रोटी तोड़कर अपने शागिदों को दी ईट एंड दिस इज माई फ्लैश खाओ ये मेरा गोश्त है और उसके बाद पीने के लिए कुछ दिया ड्रिंक एंड दिस इज माई ब्लड मैं नहीं मालूम कि क्या है उसमें रम्स क्या है बात गलत है या कोई इस तारा है वाहन लेकिन मुझे ये ऐसा महसूस होता है जब अहमदाबाद हो मुरादाबाद हो जब मुसलमान का खून बहने की खबर आती है तो वहां जो खाना हम खाने खाते हैं महसूस होता है कि ये हिंदुस्तानी मुसलमानों का खून है जो हम पी रहे हैं। यह सारी कुर्बानी दी थी किस लिए ए, खिता हो वहां इस्लाम कायम हो जाए अगर इस्लाम कायम हो जाए तो यह कुर्बानी बड़ी नहीं है बड़ा प्यारा शेर याद आया इकबाल का अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने सद हजार अंजुम से होती है शहर पैदा लेकिन शहर पैदा हो तब ना 40वां साल जा रहा है कि उस शहर के कोई आसार नहीं ये है असल में हमारा आलमिया इसकी क्या सजा मिलेगी मैं नहीं जानता लेकिन जब तक मोहलत मिली हुई है मेहनत करनी है काम करना है इसलिए कह रहा हूं अव्वल तो घर आकर अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की फिक्र कीजिए नहीं तो कम से कम यहां रहकर भी काम कीजिए आप कुरान की कोई तश्कील कर लीजिए ताकि इस फिक्र को तो फैलाएं अपने साथियों में फैलाएं ताकि आज नहीं कल जब वापस आए तो कुरने मजीद के जज्बे से सरशार होकर घरों को वापस लौटे आपका अपने वतन से दूर रहना इस एतबार से वो हो जाएगा दूसरी बात फिर उसके बाद मैंने तंजीम कायम की और अलहमद के बैठ की बुनियाद पर कायम बैठाफ बड़े मजाक उड़े हैं इसके कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में नकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थाने में लेकिन मुझे अतमाद है हजूर की यह सुन्नत है अबुल कलाम ने इसी पर जमात कायम की थी शेखुल हिंद ने बैठ करवाना चाही थी अबुल कलाम के हाथ पर ओलमा से रहमतुल्ल अलैह और सैयद अहमद बरेलवी भी रहमत ला ने जमात तैयार की थी इसी बयान की बुनियाद हमारा तो ये रास्ता है दौरे जिसको हम कहते हैं वो हमारे बेहतरीन करून करून ऊला से लेकर और इस सदी के शुरू तक तो यही चीज है बाद में हमने तंजीमों के दूसरे ढांचे अंदाज इस तैयार कर लिए बहरहाल मैंने वह तंजीम कायम की है तो ये जान लीजिए कि यहां के लिए वो नहीं है यहाँ आप लोग जो काम कर सकते हैं जो कर रहे हैं दीन की तहसील है इल्म को हासिल करना है बाकी यहाँ आपकी हैसियत मेहमानों की है आपको इसमें अपने आप को तैयार करना चाहिए उस अपने मुल्क में जिसके आप असल जिम्मेदार हैं अल्लाह के यहाँ मसूल हैं उसके लिए आप तैयारी की सोचिए और अगर वहाँ आकर आप तंजीम में शामिल हो और अपने आप को उस काम के लिए वक्फ करें तो ये सारी गुफ्तु जो नौ दिन में आज मुकम्मल हुई है तब तो ये सफल है आपका सुनना भी मुफीद और मुबारक और अगर ये नहीं तो आपने महफिलें अटेंड कर ली कुछ आपको लजत हासिल हो गई होगी कुछ वक्ती तौर पर जज्बा भी उभर आया होगा लेकिन ये सारी चीज़ें नतीजे के अतबार से ला हासिल होंगी अगर जिंदगी में किसी अमली जिद्दोजहद का आगाज नहीं होगा अब आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं ग्यारह बज गए हैं जैसे कल सवाल जवाब का कोई सवाल नहीं था आज भी कोई सवाल नहीं और वैसे भी चाहिए ये कि आज जो बात आपके सामने आई है इसी को लेकर उठिए कोई और फिक्री मसला और कोई और दूसरा मसला इन चीज़ों को बिल्कुल जहन से फिलहाल निकाल दें। असल बात पर कंसनट्रेट कीजिए रात को इस्तखारा कीजिए सोचिए बाकी जो मसाइल हैं कल सुबह दस बजे से बारह बजे तक अब जिसको है दिलचस्पी वो तशीफ लाए मैं उनके सवालत के जवाब दूंगा ये थब्बा मौजूद है जो साहब होंगे यहाँ मौजूद उनके सवाल के जवाब दिया जाएगा वरना नहीं ये सुबह का और ये मेरी आखिरी इस अपने दौरे में आप हजरात से मुलाकात होगी कल तीसरे पहर मुझे यहाँ से वापस होना है दुआ कीजिए अल्लाह ताला जो काम मैं वहाँ कर रहा हूं उसको जारी रखने की तोफ़ी फरमाए कोई गलती है तो अल्लाह तक मतनबे फरमा दे किसी को तोफ़ी दे कि वो मुझे मेरी गलती से आगाह कर दे और मुझे तोफीक दे कि मैं अपनी ग़लती का इतराफ़ कर लूँ और अगर बात सही है तो मेरे लिए इस्तकामत की दुआ कीजिए और आप ख़ुद सोचिए कि आया इस काम में मेरे दस्तोबाजू बनने के लिए तैयार हैं या नहीं आखिरी बात यह है कि हाजी अशरफ साहब के भाई पाकिस्तान में शरीर बीमार हैं उनके लिए दुआ करें